नमस्कार फ्रेंड्स, रोकर ग्रुप द्वारा आयोजित एडवांस ट्रेनिंग पार्ट वन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नीलेश पटेल देहगाम से बिलोंग करता हूं और मेरा नेटिव प्लेस कपड़ोंज के पास है। दोस्तों, इस इंडस्ट्रीज में मैंने कुछ साल पहले कदम रखा और आज मैं कुछ सीखा हूं, कुछ मुझे नॉलेज मिला है, जो भी मेरा कुछ एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपके साथ बांटने वाला हूं। लेकिन मेरा जो अचीवमेंट है उसके पीछे मेरे गुरु लोग मिस्टर जीके पटेल सर, सीएन पटेल सर और मिस्टर हरीश सेटीकर सर, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं, हमारे मेंटर हैं, उन सभी का मेरा मुझे बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और उससे भी ज्यादा योगदान दोस्तों, मेरी टीम जो एक एक हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक लीडर और खास करके मेरी पायोनियर्स टीम रोकर ग्रुप को जो प्रतिनिधित्व टीम का करते हुए रोकर ग्रुप को एक ऊंचाइयों पर जिन्होंने ले जाने का ठाना है और मुझे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। दोस्त, आज रोकर टीम जो भी है ये पायोनियर लीडर्स की वजह से है। और मैं आगे बात करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने आज एक अहम डिसीजन लेके माइलेज टच मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन करने का निर्णय लिया और आज रोकर ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं, तो उन सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा कि जैसे भी हमारी लाइफ के अंदर उजाला ये बिजनेस के कारण आया, सक्सेस मिली, आपको भी आपके हर सपने, आपकी सर उम्मीदें, आपकी सब आशाएं यहां से आप कंप्लीट कर सको, यहां से आप हर आपका सपना पूर्ण कर सको, ऐसी शुभकामनाएं शुभेच्छाओं के साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, हर हमेशा जैसे मैं बात करता हूं एक शुरुआत क्वेश्चन से, तो मैं भी आपको पूछना चाहूंगा कि आज ये ट्रेनिंग हमको बिजनेस शुरू करने से पहले जरूरी क्यों है, क्यों बिजनेस शुरू करने से पहले हमको ये ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर दूं कि एक्चुअल में ट्रेनिंग नहीं है, एक कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको मैं पास करने वाला हूं। क्यों, व्हाई? दोस्तों, जब तक हमारी लाइफ में हमको व्हाई का आंसर नहीं मिलता, जब तक हमको कोई भी काम करते हैं तो क्यों करना चाहिए उसका रीजन नहीं मिलता, उसका कारण नहीं मिलता, तब तक हम वहां उस आगे नहीं बढ़ते, तब तक हम वो काम करने में हमें इंटरेस्ट नहीं आता और हम आगे नहीं बढ़ते। और बोला जाता है, लुक एट द एंड पिक्चर बिफोर यू स्टार्ट। हमेशा हमारे गुरु बोलते हैं, एंड पिक्चर जब तक हमको नहीं दिखता तब तक हम चलने की शुरुआत ही नहीं करते। तो दोस्तों, हम आज कोशिश करेंगे एंड पिक्चर देखने की और क्यों हमें बिजनेस शुरू करने से पहले ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसके बारे में मैं मेरा खुद का एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, इंडस्ट्रीज में मैं प्रेजेंटेशन जब देखा, उससे पहले मैं बहुत नेगेटिव था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे समझना ही नहीं था। ऐसी बहुत सारी कंपनियों में मैं जानकारी मुझे मेरे पास थी, उसी के हिसाब से मुझे कोई लगाव ही नहीं था। लेकिन मेरे इंट्रोड्यूसर के बार बार कहने के बाद मैंने 10/4/2009 को एक प्रेजेंटेशन देखा और दोस्तों, आपको ताजुब होगा कि उसी दिन मैंने मेरा कोड रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसी दिन। कारण दोस्तों, मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसी का मैं आंसर दे रहा हूं कि क्यों ये इंफॉर्मेशन आपको पहले पूरी ले लेनी चाहिए। दोस्तों, मुझे भी, मेरे साथ भी यही हुआ था। 10/4/2009 के दिन मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद दोस्तों 15 जून 2009 तक मैंने कोई भी काम नहीं किया। मैं घूमता रहा, फिरता रहा। पहले दिन से 10/4/2009 से लेकर 15/6/2009 तक दोस्तों 15/6/2009 के दिन मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे यही इंडस्ट्रीज में कैरियर बनानी है। तो बीच में क्या किया दोस्तों, बीच में 2 महीना 5 दिन मैं बहुत घूमा। कारण, रीजन दोस्तों, मुझे वाई का आंसर ढूंढना था कि ये बिजनेस, ये इंडस्ट्रीज मुझे क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, क्यों फुल टाइम करना चाहिए, क्यों यहीं से मुझे कैरियर बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था।
कंसेप्ट देखने के बाद, नेटवर्क इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट देखने के बाद कंसेप्ट पर मुझे भरोसा आया। पर कंसेप्ट चलाने वाली कंपनी या गवर्नमेंट या डायरेक्ट सेलिंग, उसका फ्यूचर क्या है इंडिया में और आने वाले टाइम में? मुझे अगर पैसों के लिए मुझे कोई अगर नया बिजनेस, नई कंपनी या कुछ नया काम ढूंढना पड़े, अगर ऐसा हो तो मुझे मेरे 2-3-4 साल खराब नहीं करना। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसी दौरान मुझे मेरी उम्र जो थी, मेरी एज जो थी 35 ईयर्स की हो चुकी थी। थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा मेरा तो आपको थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। 1995 में मैंने ग्रेजुएशन मोड़ासा उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी से खत्म किया और उसके बाद 96 में कैरियर शुरू की एक फैमिली फैक्ट्री के साथ, जहां पे 19-20 लोग, नरोड़ा जीआईडीसी के बाहर एक सूत्र का कारखाना एरिया है, वहां पे कैरियर शुरू करी। वहां से लेके 96 से लेके 2009 तक 14 साल लाखों रुपया लगाया और 5-6 बिजनेस किए जिसमें मैंने महीने का 1 लाख रुपया नहीं देखा। और दोस्तों 2009 में मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था, कर्जा हो चुका था, फैमिली बढ़ रहा था, कपड़ों में रहता था, 2 साल के अंदर 7 किराए के मकान बदल चुका था। यही सिचुएशन में मैं प्रेजेंटेशन देखा था और दोस्तों 14 साल मैं गवा चुका था, मेरा क्रीम पीरियड जा चुका था और अब मेरे पास कितने साल बचे हैं मेरी लाइफ बनाने के लिए और मेरे ऊपर कर्जा है। अगर मैं यहां पे एक्सपेरिमेंट करने आऊंगा और 2-3 साल में मैं फिर से जीरो हो गया तो वही डर से मैं बिजनेस तुरंत शुरू नहीं किया। फिर भी मैं क्यों तुरंत आया? इसीलिए कि बचपन से मैं जानता हूं, चाहे पानी भरा कुआ हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई की पर्सनल लाइफ हो, जब तक हम अंदर नहीं उतरते, अंदर की सच्चाई हकीकत हमारे सामने नहीं आती, तो मैं भी रियल में इंडस्ट्रीज मेरी लाइफ बनाएगी, रियल में मुझे 2-4 साल के बाद पैसों के लिए काम करना नहीं पड़ेगा, रियल में ये लीगल, मोरल और एथिकल इंडस्ट्रीज है या कंपनी है। तो ये सब चीजें जानने के लिए मैं अंदर उतरा था। दोस्तों पहले दिन मुझे 19 CD/DVD मिली, कुछ लिटरेचर मिला, लेकर मैं घर पे गया और मैंने देखना शुरू किया। पहले तीन दिन में मैंने 19 CD/DVD देख ली थी और दोस्तों हिम्मत नगर से बड़ौड़ा तक हर एक मीटिंग, हर एक ट्रेनिंग, हर एक सेमिनार में, फंक्शन में मैं घुमा हूं और मैंने देखा है। और मुंबई तक कंपनी के एमडी को मैं सुनने के लिए गया था। और दोस्तों लास्ट आखिरी दिन 15 जून 2009 के दिन मैं अहमदाबाद टाउन हॉल के अंदर, जिसमें 10 डायमंड आए हुए थे और उन्होंने अपना शेयरिंग किया और दोस्तों अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, उसकी हिस्ट्री, उसका फ्यूचर इन इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग और फ्यूचर, गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट के पीछे और आने वाले टाइम पर क्यों सपोर्ट करेगी, प्रोडक्ट, कंपनी, कंपनी की प्रोफाइल, विजन, मिशन और प्लान, ये सभी चीजें सुनने के बाद, देखने के बाद, प्रूफ के साथ समझने के बाद दोस्तों उसी दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया था। और उसी दिन शाम को टाउन हॉल के बाहर निकलकर शाम को 7:30 बजे मैंने खुद के साथ कमिटमेंट लिया, खुद को दोस्तों एक 10 साल के लिए बांधा कि अगर अभी नीलेश पटेल की लाइफ बनेगी तो यही फील्ड से, यही इंडस्ट्री से बनेगी, आने वाले 10 साल मुझे यहां काम करना है और 10 साल के बाद मुझे महीने का 10 लाख रुपया चाहिए, वो टारगेट के साथ मैंने काम शुरू किया। और उसी दिन से आज दिन तक पीछे मुड़ के देखा नहीं, अचीवमेंट आपके सामने है। अभी ITC गोल्ड बन के खड़ा हूं और महीने का 7-8-10 लाख इनकम कर रहा हूं, टोटल इनकम मेरा 3 करोड़ है। और दोस्तों यहां मेरे साथ आज 50,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया और 5-6 स्टेट के अंदर मेरा नेटवर्क अभी डेवलप हो चुका है। तो दोस्तों ये क्यों हो पाया, आज मेरी लाइफ इतने सालों में ड्रास्टिकली चेंज क्यों हुई? तो उसका रीजन है, 10 अप्रैल को मैंने उसी दिन मेरा रजिस्ट्रेशन करवा के कुछ प्रोडक्ट परचेस करके मुझे यहां तक की सफर में समझ में आया कि यही एक इंडस्ट्रीज है। मार्केट में दोस्तों मैं कितना भी काम कर लूं, कितनी भी मेहनत कर लूं, हार्डवर्क कर लूं, लेकिन महीने का 10 लाख तो छोड़ो, महीने का 2-3 लाख भी मैं
नहीं पहुंच पाऊंगा, ये मुझे पक्का मालूम हो चुका था। लेकिन ये जो आप बीच में देख रहे हैं 10 अप्रैल और 15 जून के बीच में जो मुझे समझ में आया, जो इंफॉर्मेशन मिली, उसी के कारण मैं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाया और मेरी करियर यहां लगा पाया। और यही कारण है आपको भी, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है ना वो 2 दिन की रहती है, लेकिन 2 दिन की ट्रेनिंग को कंप्रेस करके मैं आपको 2-2 घंटे में पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको इंफॉर्मेशन शॉर्ट में दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इसीलिए कुछ बातें हैं, कुछ दोस्तों सीइंग इज बिलीविंग बोलते हैं कि जब तक हम खुद देखते नहीं, जब तक हम कुछ समझते नहीं या जब तक कुछ हम सुनते नहीं, अपनी आंखों से देखते नहीं, तब तक हमें विश्वास नहीं आता। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी जानकारी जब तक हमें नहीं मिलती उसी के बारे में हमको विश्वास नहीं आता, और जानकारी मिलने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आता है और वही कॉन्फिडेंस हमें सक्सेसफुल बनाता है। तो यह था मेरे वाई का रीजन। आपका वाई, अगर आप, मेरा पक्का दावा है और वादा भी है, अगर ये आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 2 इंफॉर्मेशन वाली ट्रेनिंग अगर आपने कंप्लीट कर ली, तो मैं पक्का बोल सकता हूं कि आपकी लाइफ में भी आप श्योर एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। डिसीजन तो आपने लिया, जुड़ने का आप जुड़ भी चुके, प्रोडक्ट परचेस करने का आप प्रोडक्ट परचेस कर भी चुके, आप प्रोडक्ट एंजॉय करोगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी के बारे में जब तक आपको आज पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा दोस्तों। और बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि आप तो आज पार्ट 2 में 2 घंटा मेरे साथ रहना है और एक एक बात को समझना है, और अगले पार्ट 2 के अंदर भी आपको 2 घंटा करीबन आपको मेरे साथ रहना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्री की ताकत क्या है, ये फ्यूचर इसका क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आज हमारे पास एक आम इंसान कि जिनके पास पैसा नहीं है, नाम नहीं है, कोई लंबी चौड़ी इज्जत शोहरत नहीं है, और हमारे पास आज इनकम करने का सोर्स कितने हैं, तो नौकरी, धंधा या खेती। तो नौकरी आज की हालत, धंधा और खेती में क्या है, आज मुझे आपको ज्यादा बताना नहीं। आप समझ रहे हो कि करंट मार्केट सिनेरियो, आज कोविड-19 के चलते हुए मार्केट की पोजिशन क्या है, और आने वाले टाइम में, और अभी भी दोस्तों हर कंट्री की जीडीपी डाउन जा रही है, वो सब आप जानते हो, हर रोज आप न्यूज चैनल में देखते रहते हो। ये जो मेजर इंडस्ट्रीज है जो इंडिया में या वर्ल्ड में अफेक्ट हुई है, चाहे ऑटोमोबाइल्स, चाहे रियल एस्टेट, चाहे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे क्लोथिंग इंडस्ट्रीज हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो या सर्विस सेक्टर हो, आज एक भी इंडस्ट्रीज कोविड-19 के कारण जो भी सिचुएशन हुआ है उसके कारण अफेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आज मार्केट दोस्तों मंदी की ओर जा रहा है, और आपने एक वीडियो देखा ही होगा जो हम हमारे प्लान के अंदर दिखाते हैं या आपको भी ट्रेनिंग में बताया रहेगा। तो दोस्तों आने वाले समय में 2021 के अंदर एक बहुत बड़ी महामंदी का हम लोग सामना करने वाले हैं, जो कि 1903 से मुकाबले में 2008 में जो मंदी आई थी उन्होंने 1% बिगाड़ा था, लॉस किया था 1%, और 1% में अगर 2008 में इतना लॉस हुआ था आर्थिक मंदी के कारण, तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा स्टडी बता रहा है कि आने वाली 2021 के अंदर जो भी महामंदी आने वाली है वो 1930 से जो हुआ था 1% 2008 में, उससे 15 से 20 गुना ज्यादा वो अफेक्ट करने वाली है। आप समझ रहे हो, अभी आप कुछ, अगर आप कुछ आगे क्या होने वाला है, अगर आप ये विश्वास कर रहे हो ये होने वाला है दोस्तों, ये कोई रोक नहीं सकता, तो उसी समय उसी दौरान आने वाले 1-2 साल के अंदर जो पोजीशन आने वाली है उससे पहले हमें जो है अपॉर्चुनिटी मिली है उसका फायदा उठा के हम वो आर्थिक मंदी का सामना कर सके और अच्छा संघर्ष करके हमारा लाइफ, हमारा फैमिली के लिए हम सेव कर सके और अच्छी लाइफ बना सके, इसी के कारण आज आपको ध्यान से देखना है। तो 3 रास्ते हैं आज नौकरी, धंधा, खेती, और आप उसी के बारे में आज आपने भी सुन लिया। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास दोस्तों एक ही ऑप्शन है, और मैं यह ऑप्शन आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि क्या है ऑप्शन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी,
आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। अभी इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज आई है और इकोनॉमिक टाइम्स की इस न्यूज में ये बात पता चली है सेंटर फॉर मॉनेटरी इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के द्वारा कि केवल अप्रैल के महीने में 27 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। और ये 2,70,00,000 लोग कौन हैं जिन्होंने अपनी नौकरी गंवाई है? ये है 20 से 30 वर्ष के युवा। जी हाँ, ये भारत की खबर है। 20 से 30 वर्ष के युवाओं में 2,70,00,000 लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं सिर्फ अप्रैल के महीने में। अभी मई के महीने में क्या होगा नहीं पता, जून और जुलाई के महीने में क्या होगा नहीं पता, पूरे साल क्या होने वाला है नहीं पता। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप अभी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग से नफरत कर रहे हैं, तो आपके पास पछताने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहेगा। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगी कि आज से पहले, कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते थे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अब भी आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा सोच रहे हैं, अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार नहीं है, उन बुरे अनुभवों को आप ओवरकम नहीं करना चाहते, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है और ये बात मैं आपको जरूर बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग भारत के लिए जरूरी है, इस पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को नजरअंदाज ना करें। अभी तो केवल 2,70,00,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है, आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। मैं यही कहूंगी कि इस देश को आपकी जरूरत है, आइए हाथ मिलाइए और नेटवर्क मार्केटिंग को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, दुनिया को दिशाएं देने वाले, दुनिया को लीड करने वाले कुछ दीर्घदृष्टा रहते हैं, जो लीडर्स रहते हैं, उनमें से एक है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि कनाडा के ऑथर है, उन्होंने रिच डैड पुअर डैड सीरीज लिखा है और ये 2009 में एक बुक लिखा है। उनने सभी बुक्स के अंदर रिच होने के कुछ प्रिंसिपल, अमीर बनने के प्रिंसिपल, सिद्धांत बताए हैं। और उन्होंने बोला है कि आज मार्केट के अंदर जो भी लोग अर्निंग कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, वो चार क्वाड्रेंट में उन्होंने बांटा हुआ है। पहला है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर्स मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, इन्वेस्टर जो मार्केट में पैसा लगाते हैं। अगर बीच वाले लाइन से लेफ्ट साइड में अगर देखें तो 95% लोग मेरे आपके जैसे ये कोडन में आते हैं, जो नौकरियां छोटे मोटे बिजनेस करते हैं। और राइट साइड में बड़े लोग हैं, रिचेस्ट अमीर लोग हैं, जो कि 5% लोग हैं। दोस्तों, दुविधा यह है कि ये 5% लोगों के पास दुनिया की प्रॉपर्टी या पैसा बोले तो 95% प्रॉपर्टी और पैसा उन लोगों के पास है, और बाकी के जो हम लोग 95% है, हमारे पास 5% ओनली 5% पैसा या प्रॉपर्टी है कुल मिला। और हर कोई व्यक्ति सपना रखता है, नोइंगली अननोइंगली हर इंसान जो यहां पर है, जो मेरे आपके जैसे है, जो ऑर्डिनरी आदमी है, हर कोई व्यक्ति ये कोडन चेंज करके यहां जाना चाहता है, अपने सपने पूरे करना चाहता है यहां से यहां। लेकिन एक आम इंसान ये नहीं कर पाता, जो जहां पे जन्मा है, जहां पे वो काम कर रहा है, दुनिया छोड़ते हुए ये वही कोडन में वो रहते हैं। दोस्तों, कारण कि उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत बड़ा नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए और रिस्क उठाना पड़ता है। और अमीर में दोस्तों, हम जैसे लोगों में से कुछ 1% लोग रहते हैं, जो करोड़ों में एकाध लोग रहते हैं, जो धीरूभाई अंबानी, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी या बड़े जो जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि यहां से यहां कोडन चेंज कर सके। लेकिन जो आपने एक इंडस्ट्री देखा जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, दोस्तों यही एक इंडस्ट्रीज है। भले आज आपके पास कुछ ना हो, आप आज कहां हो इंपोर्टेंट नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई मैनेजर हो, चाहे कोई आप आपकी एज कम हो या आपकी एज ज्यादा हो, आप जेंट्स हो, लेडीज हो, आप पढ़े हो, अनपढ़ हो, आपके पास नॉलेज है, आप कहां के हो, सिटी के हो, कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब एक ही है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आपको मौका दे रही है और यही एक इंडस्ट्रीज है वर्ल्ड में जो आने वाले 5-7-8 साल में आपको कोडन चेंज करवा सकती है। जी हां, आपने सही सुना, हमारे पुरखों ने या हमारी 5-10 पीढ़ी जो आज तक नहीं कर पाई है, वो आप ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज
के माध्यम से यही प्लेटफॉर्म से 5-7-8 साल में आप मॉडल चेंज कर सकते हो और एमए और आप पहले नहीं है, हजारों लाखों लोगों ने ये कॉर्नर में से ये कॉर्नर में ये डायरेक्ट सेलिंग के कारण अपना लाइफ ड्रास्टिकली चेंज किया हुआ है, कॉर्नर चेंज किया हुआ है और यही बात आज आपको समझनी है दोस्तों। तो मैं फिर से आपको गुजारिश करना चाहूंगा कि आप 2 घंटे मेरे साथ बने रहे दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग माइंड में आते बहुत सारे कंफ्यूजन और प्रश्न आते हैं और मैं भी मानता हूं दोस्तों, क्योंकि हर कोई बंदा आज डायरेक्ट सेलिंग में टॉपर है, आज डायरेक्ट सेलिंग में महीने का लाखों रुपया कमा रहा है या एक डिस्ट्रीब्यूटर है। जब यह बिजनेस इंडस्ट्री देखा तभी वो नेगेटिव था, तभी उनको समझना नहीं था, तभी उनको इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी कोई ना कोई उनको प्रेशराइज करके या उनके उनको उनको बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी इंडस्ट्री देखने के लिए, फिर भी जाने अनजाने किसी ने धक्का दिया और आए और इंडस्ट्री को समझा और आज वो लोग लाइफ बना रहे। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसको MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, तीनों नाम से जानी जाती है क्या? मैं आपको एक एग्जाम्पल से या जो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग जैसे शुरू हुआ, जैसे वो कहां शुरू हुआ और कैसे आगे डेवलप हुआ उसी के बारे में जाने से पहले, ये कैसे शुरू हुआ और कहां शुरू हुआ तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अमेरिका में 1941 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ। एक सेल्समैन एक हाउसवाइफ को मिला और मिक्सी बनाने मिक्सी छोटी जो मिक्सी आती है वो उसी का सेल्समैन था। हाउसवाइफ को मिलकर उन्होंने बताया अपना मिक्सी और बोला कि ये आप यूज करो, खरीदो। मैडम ने देखा और देखते टाइम सेल्समैन ने ऑफर किया कि अगर मैडम ये आप मिक्सी खरीदते हो और आप यूज करते हो और अगर आपको अच्छी लगती है तो आपकी नियर डियर आपके फ्रेंड को आप बताओगे? तो मैडम ने बोला कि 100% क्यों नहीं, श्योर बताएंगे। तभी उन्होंने एक ऑफर किया कि अगर आपके घर आप चाय पार्टी रखते हो, आपके फ्रेंड्स लोग इन्वाइट करते हो और यही प्रोडक्ट मैं उनको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, दिखाऊंगा और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप उनको बोलोगे कि ये मिक्सी अच्छी है, मैंने यूज करी है, खरीदने लायक है। अगर वो लोग खरीदते हैं तो अगर एक मिक्सी बिकती है तो दुकानदार को एक मिक्सी शेयर करने पे जो प्रॉफिट मिलता है वो ही प्रॉफिट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये मिक्सी मैं डायरेक्ट फैक्ट्री जहां ये मैन्युफैक्चर होती है, जहां ये बनती है, वहां से मैं उठा के लाया हूं और बीच में सभी लोगों का जो प्रॉफिट शेयर होता है वो भी मेरे पास जमा और उसमें से मैं आपको दे सकता हूं। एक मिक्सी सेल होने पर दुकानदार को जो प्रॉफिट मिलता है एक एक मिक्सी पर मैं आपको दे सकता हूं। दोस्तों मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या हम मार्केट में जो भी एक प्रोडक्ट या कुछ भी परचेस करते हैं क्यों करते हैं? तो एक ही रीजन है कि हमको यूज करना है, हमको जरूरत है और खरीदने के बाद हमको कितने फायदे मिलते हैं, एक ही यूज करने का मौका मिलता है और पूरी लाइफ जब तक उसकी आयु है हम यूज करते रहते हैं। तो एक ही कारण होता है कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। अभी यहां पे आप देखो सेल्समैन ने एक हाउसवाइफ को ऑफर किया कि अगर आप आपके कारण 8-10 मिक्सी सेल होती है तो आपकी मिक्सी फ्री हो सकती है। दोस्तों आज दिन तक ऐसा हुआ है, आपने कुछ जींस और टी शर्ट लाए अच्छे और आपने 2-4-5-10 फ्रेंड को बोला और आपके कारण वो भी वहां से खरीद के लाए तो कभी आपका जींस या आपका टी शर्ट फ्री हुआ है? आपने 10-15 लोगों को आपके बाइक यूज करने के बाद अच्छी लगी आपने बोला, उनमें से 8-10 लोगों ने बाइक परचेस की आपके कारण, क्या आपकी बाइक फ्री हुई? नॉट पॉसिबल, कभी नहीं होता। यहां पर दोस्तों यूज करने का मौका है। अब ये दूसरा फायदा, दूसरा मौका, जो खरीदी ये चीज वो फ्री करने का चांस है। अभी दूसरे वीक में वो हाउसवाइफ के घर ये चाय पार्टी रखी गई और ऐसा जो बोला था वैसा हुआ और उसी दिन जो एक फर्स्ट हाउसवाइफ है उसकी फ्रेंड्स लोग आए थे और वहां पर भी उन्होंने ये ऑफर फिर से दोहराई, ऑफर करी उन लोगों को, उनके फ्रेंड्स को बोला कि आपकी फ्रेंड है उन्होंने ये प्रोडक्ट परचेस करी और अच्छी लगी है,
अगर आप भी खरीदते हो और आपके पर भी अगले वीक, आपके घर पर भी अगले वीक आप चाय पार्टी रखते हो, आपके फ्रेंड्स लोगों को इनवाइट करते हो, तो अगर उनमें से कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो जो दुकानदार को प्रॉफिट शेयर जो होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप जिनके कारण ये प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो आपके टर्नओवर पर, आपके खरीदारी पर, आपके नीचे, आपके आगे जो लोग खरीदेंगे उसमें से हर एक की खरीदी पर ये फर्स्ट जो हाउसवाइफ है उनको भी प्रोडक्ट शेयर होगा। दोस्तों यहां तीसरा फायदा, पहले उसका यूज करने का मौका लाइफ टाइम के लिए है, दूसरा इन 8-10 लोगों के कारण फ्री हो गई मिक्सी और अब इन लोगों ने ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो यहां पर इसका इनकम शुरू हो गया। मतलब यही काम जो आज सालों से हम करते आ रहे हैं वही करने से, प्रोडक्ट परचेस करने से हमको हमारी प्रोडक्ट फ्री होने का चांस है और उसके साथ इनकम होने का चांस है। अभी मैडम ने क्या किया, उन्होंने दुकान लगाई, गोडाउन भरा, क्या उन्होंने सेल्समैनशिप करी या उन्होंने घर घर जाके समझाना? नहीं, वो तो सेल्समैन करता था, तो उन्होंने क्या किया, बस सेल्समैन को सपोर्ट किया, लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाने में सपोर्ट, मदद किया, हेल्प किया और उसके कारण अभी उसका इनकम शुरू हो गया। दोस्तों इसमें बुरा क्या है, मैं बोलता हूं उसमें बुरा क्या है, दोस्तों हर चीज जो हमको हम बचपन से आज तक करते आए हैं, हमको अगर मिठाई की दुकान अच्छी लगी, कोई डॉक्टर अच्छा लगा, कोई ट्यूशन टीचर अच्छा लगा, कोई बाइक, कोई फिल्म अच्छी लगी, तो हम जो आपने आपके फ्रेंड के साथ शेयर किया हुआ है वो अगर ये लोग परचेस करते हैं या सर्विस यूज करते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता और यह मिलता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या गलत हो रहा है और ये जो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट जो लोकप्रिय बना आगे जाके और अलग अलग कंपनियों ने भी एक्सपेरिमेंट किया और धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज आज वर्ल्ड में काम कर रही है। और दोस्तों मैं भी ये इंडस्ट्रीज में आया, ये भी मेरे साथ हुआ, प्रोडक्ट परचेस किया और मैंने मेरे नियर डियर को बताना शुरू किया, उसमें से कुछ लोगों ने मेरी बात मानी, सुनी और मेरे साथ काम शुरू किया और करते करते दोस्तों आज मैंने 10 लोगों को इनवाइट किया था, 10 में से 4 लोगों ने मेरी बात को थोड़ा सीरियसली लिया और 4 लोगों की वजह से 40 की वजह से 500 नहीं 5000 नहीं, आज पूरी 50,000 की टीम बन चुकी है, जिन लोगों ने कुछ प्रोडक्ट परचेस किया और उसके कारण 50 करोड़ से ज्यादा टर्न ओवर हुआ, मेरे अकाउंट में 3 करोड़ आए। दोस्तों ये है डायरेक्ट सेलिंग, तो जो भी मिसकंसेप्शन है उखाड़ के फेंको। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग जो हम समझ रहे हैं वो है ही नहीं, तो मैं आगे बात करना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग आज 120 कंट्री के अंदर अपना पैर फैला चुकी है और डेवलप कंट्री आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बूम मचा रही है। डायरेक्ट सेलिंग जो आज 75 बिलियन पीपल काम कर रहे हैं और 100 बिलियन रेवेन्यू ईयरली जनरेट हो रही है। बिजनेसमैन जैसे कि वॉरेन बफेट या वर्जिन सरल ली जैसी कंपनी आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को खरीद रही है। वॉरेन बफेट जो रिचेस्ट पर्सन है, जो बोल रहे हैं कि मैंने आज तक जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से सबसे श्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट है डायरेक्ट सेलिंग में किया हुआ इन्वेस्टमेंट, और फॉर्च्यून मैगजीन भी बता रहा है कि अगर सीक्रेट वर्ल्ड का, बिजनेस वर्ल्ड का सीक्रेट कोई है, रहस्य है, तो वह है नेटवर्क मार्केटिंग। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बुक जो आप देख रहे हैं, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी हुई है आज से 30-40 साल पहले या 25 साल पहले, दोस्तों ये बुक मेरे पास 2001 से है, लेकिन मुझे उसमें जो लिखा है विश्वास नहीं था। आप भी ये बुक जरूर पढ़ना दोस्तों, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना है ये बुक आपको पचानी होगी, आपको पढ़नी होगी, आपके साथ रखनी होगी। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो 2009 में मैंने फिर से बुक उठाई, तभी मुझे लगा कि ये तो हो चुका है, जो कि मुझे विश्वास नहीं था। और दोस्तों यही बुक के अंदर और यही बुक के कारण मैं शुरुआत के समय में मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मुझे मोटिवेशन मिला, तो मुझे यहां तक पहुंचाने में शुरुआत के समय पे अगर जो ज्यादा अगर कोई योगदान रहा है तो ये बिजनेस स्कूल का भी योगदान है। दोस्तों टॉपिक नंबर 10 जो बिजनेस स्कूल बुक के अंदर लिखा है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस कैसे बढ़ता रहेगा।
टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों बढ़ता रहेगा, और उसके अंदर नीचे सेंटेंस लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज जो प्रवृत्तियों दिखाई दे रही है और भविष्य में जो आर्थिक परिवर्तन आने वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस उद्योग में खींच के लाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ सालों पहले लिखा हुआ है और यहां पे फिर से दोहराता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का भविष्य बहुत उज्जवल है। और जो प्रवृत्ति आज दिख रही है, मतलब 20-25 साल पहले उन्होंने दीर्घ दृष्टि से देखा और लिखा कि आने वाले समय में जो आर्थिक परिवर्तन आने वाले हैं वो उसी के कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये उद्योग में आना ही होगा, समझ के या मजबूरी में। तो ये बहुत सालों पहले लिखा गया और मुझे इंप्रेस किया, और इससे भी ज्यादा इसके सामने के पेज के अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ है वो मेरे दिमाग में मेरे दिल पे टच कर गया, और आज उसी के कारण मैं ज्यादा समझने के लिए दोस्तों मजबूर हुआ। और आज यही रीजन है, यही सेंटेंस के कारण मेरा लाइफ परिवर्तन हुआ है। दोस्तों यहां पे लिखा है कि जो इंसान सफलता पूर्वक अपना नेटवर्क बना लेता है वो दुनिया का अमीर नहीं बेहद अमीर इंसानों की श्रेणी में आ जाता है। दोस्तों फिर से, जो इंसान सफलता पूर्वक नेटवर्क क्रिएट कर लेता है वो दुनिया का बेहद इंसानों की लाइन में आ जाता है। आज कुछ भी हो, यहां कोई कंडीशन नहीं डाली है कि वो पढ़ा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए या नॉलेजेबल, कुछ नहीं, खाली नेटवर्क। और एक बात मुझे समझ में आया कि हम जैसे आम इंसान के लोग में, या हम आज तक जो भी पढ़े हैं, चाहे स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन आज हमको नेटवर्क के बारे में कुछ समझाया नहीं गया, कुछ बताया नहीं गया, या इसका इंपोर्टेंस हमको मालूम ही नहीं है, हमके साथ कभी शेयर नहीं किया गया, चाहे हमारे वडील, हमारे कुछ समाज के ठेकेदार हो, चाहे हमारे गुरुजन रहे हो। लेकिन आज दोस्तों इंडस्ट्रीज में आने के बाद, ये बुक पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया, और मैंने भी दोस्तों जाना कि अगर कोई सक्सेसफुल बनने का, अमीर बनने का कोई अगर सीक्रेट है, अगर कोई रहस्य है, तो वो है नेटवर्क। मतलब दुनिया में जिन लोगों ने नेटवर्क शब्द का, नेटवर्क का यूज किया, वो लोग नाम और पैसा बना लिया और वो लोग सक्सेसफुल बने हैं। तो ये राज, ये सीक्रेट एक आम इंसान को मालूम नहीं है दोस्तों, मुझे मालूम पड़ा और मैं आपके साथ ज्यादा शेयर करना चाहूंगा। ये नेटवर्क की दुनिया को छोड़ के थोड़ी मैं बाहर की बात करूंगा, तो आपको थोड़ा मेरे साथ बने रहना है। दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि नेटवर्क की अगर बात है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि नॉर्मली हम जो काम करते हैं मार्केट में अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो नॉइंगली अनॉइंगली हम छोटा नेटवर्क क्रिएट करते हैं और वही नेटवर्क के कारण ही पैसा आता है। मतलब हम बाहर जो भी काम करते हैं हमको पता नहीं है, हम ऑलरेडी नेटवर्क क्रिएट करते हैं छोटा मोटा, उसी के कारण पैसा कमाते हैं। जैसे एग्जाम्पल किराना शॉप या डॉक्टर, किराना शॉप जब शुरू हुई या डॉक्टर ने क्लिनिक शुरू किया अकेला था, फिर धीरे धीरे करके 2-4-5 लोग आए, 10 लोग आए, 100 लोग आए, 2-3-4 साल के अंदर 1000 लोग है जो यहां से ही दवाई करवाते हैं, क्लिनिक पर से ही, यही डॉक्टर से और यही कोरोना किराना शॉप से वो परचेस करते हैं अपने जो भी आपके घर में जरूरत है। तो नॉइंगली अनोइंगली ये कस्टमर बेस बन गया उसका नेटवर्क। जो भी फैमिली 4-5 साल के बाद बोलती है कि हमारा फैमिली डॉक्टर है, वो सभी इनका एक नेटवर्क बन चुका है। और जो भी किराना शॉप से रेगुलर कस्टमर है, जो वहां से खरीदते हैं, उसका नेटवर्क बन चुका है, और उसी के कारण आज वो 25,000-50,000 महीने का 7,000 इनकम कर रहे हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों मार्केट की। अभी और थोड़ा उसमें आगे बढ़ना चाहूंगा। दोस्तों मैं आपको बोला कि नेटवर्क जो एक सीक्रेट है, और मैं आपको आगे ज्यादा बताना चाहूंगा कि हमारा जितना बड़ा नेटवर्क होता है, जितना बड़ा नेटवर्क का एरिया होता है, उतना ही बड़ा नाम, उतना ही बड़ा पैसा हमारी लाइफ में हम पाते हैं। मतलब जितना बड़ा नेटवर्क और नेटवर्क का एरिया, उतनी बड़ी सक्सेस, उतना बड़ा नाम और पैसा। चलो आओ हम भी आगे एग्जाम्पल के साथ समझते हो दोस्तों कैसे। तो मैं यहां बताना चाहूंगा, अगर नाम की बात करें कि कैसे नेटवर्क से नाम बनता है, तो एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, यहां छोटे गुरु महाराज हमारे एरिया में है और एक है रामदेव बाबा। मुझे आप बताओ, रामदेव बाबा का नाम बड़ा या हमारे छोटे गुरु महाराज जो हमारे एरिया में,
तो ऑफकोर्स श्री रामदेव बाबा का बोलेंगे आप, क्यों? क्योंकि हमारे जो गुरु महाराज है छोटे हमारे एरिया के अंदर, उसके उसके जो शिष्य गण है वो उसका नेटवर्क है, नोइंगली अननोइंगली वो नेटवर्क है, चाहे आप माने ना माने, स्वीकारे या ना स्वीकारे, जो नेटवर्क है वो कितना है, तो 5,000-10,000 लोगों का जो एक गुरु महाराज के शिष्य है, तो 5-10,000 लोगों का नेटवर्क है। इसीलिए उनके यहां तक नाम उसका जो है सीमित है, लेकिन रामदेव बाबा पूरे गुजरात, पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर उसका नेटवर्क है, इसलिए उसका नाम बड़ा है। सिंपल। अगर दूसरी बात करूं, आपके गांव का सरपंच कितनी पॉपुलेशन आपके गांव की, तो 8-10,000 तो सरपंच है, उसका नाम है, आपके घर आता है, आओ आओ सरपंच साहब, खाना खाओगे, चाय पियोगे, ठंडा लोगे, क्या लोगे, और वही सरपंच दूसरे एरिया में जाता है और आप वहां खड़े हो और कोई पूछता है ए, क्या चाहिए, तो आप बोलते हो ऐसा मत बोल, हमारे गांव के सरपंच साहब है। अरे तेरे गांव के सरपंच साहब तेरे गांव में, यहां क्या है, बोलते कि नहीं, तो वही सरपंच की नेटवर्क क्षेत्र के बाहर जो जाते हैं उसकी वैल्यू, उसका नाम नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब सरपंच का नाम बड़ा है, नरेंद्र मोदी साहब किनको लोग ज्यादा जानते हैं, ऑफकोर्सली नरेंद्र मोदी साहब, क्यों? क्योंकि 130 करोड़ का नेटवर्क आज नरेंद्र मोदी साहब के पास, उनका भी नाम नहीं था या कम था जब अमेरिका मुख्यमंत्री थे, 7 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री थे, तभी अमेरिका उसको वीजा नहीं देती थी आने के लिए, मना कर दिया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री से पीएम बने, सीएम से पीएम बने, तुरंत पहला कॉल अमेरिका से शायद आया कि आओ आपका हमें वेलकम करना है, स्वागत करना है, क्यों दोस्तों? तो यही नरेंद्र मोदी है, तो उसमें रातों रात चेंज कैसे आ गया दोस्तों? नेटवर्क, 7 करोड़ का नेटवर्क से उनको 130 करोड़ का नेटवर्क मिला, उसका नाम, तो सरपंच से उसका ज्यादा नाम, तो आप आई बात समझ लें, नेटवर्क जितना बड़ा नाम उतना बड़ा। अभी बात करते हैं पैसों के बीच, अगर आप मानते हो कि यह सच नहीं है तो मैं आपके साथ अब प्रूव करके देता हूं, एक डॉक्टर और किराना शॉप और एक डिस्ट्रिक्ट डीलर, कोई भी एक छोटी पेस्ट पकड़ लो, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिला के अंदर जितने भी वो पेस्ट के यूजर है, वो एक ही डिस्ट्रिक्ट डीलर के हाथ के नीचे से वो पेस्ट जाती है, उसका वॉल्यूम का बेनिफिट उसको मिलता है। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, एक डॉक्टर या किराना शॉप क्लिनिक में जो बैठता है वो ज्यादा इनकम करता है या डिस्ट्रिक्ट डीलर? डिस्ट्रिक्ट डीलर ना, क्यों? क्योंकि डॉक्टर और किराना शॉप का छोटा नेटवर्क है, छोटा उनका कस्टमर बेस है, जबकि डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये डीलर का कस्टमर बेस बड़ा है, और इसके कारण ही दोस्तों ये ज्यादा पैसा कमाते हैं। दूसरी बात, आपके एरिया के अंदर कोई एक इंडस्ट्रीज है जहां पे लोग 500 लोग काम कर रहे, और एक रिलायंस, कौन ज्यादा पैसा बनाता है, किसका ज्यादा नाम है? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहां 500 लोग काम कर रहे, तो 500 लोगों के कारण उसका अच्छा इनकम रहेगा, लेकिन रिलायंस में आज करीबन 12 से 14 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो 12 से 14 लाख लोगों का नेटवर्क रिलायंस के पास है, इसलिए आज इंडिया में वो नंबर वन है, वर्ल्ड में उसका नाम है, महान है। तो मतलब 500 लोगों का नेटवर्क और 14 लाख लोगों, यही डिफरेंस। तो दोस्तों दुनिया में राज वही करते हैं जिनके पास नेटवर्क है। अभी और मैं थोड़ा आगे इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे मन के अंदर एक मान्यता है घर कर गई है, और ये क्या है दोस्तों? ये भ्रम हमारे माइंड के अंदर हम पाल के रखा है कि हम अगर, हमारे बच्चे लोग अगर ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा सर्टिफिकेट लाएंगे, ज्यादा अच्छा मार्क्स लाएंगे, या कोई पढ़ा हुआ इंसान है, बुद्धिमान है, नॉलेजेबल है, उसकी लाइफ अच्छी बनती है, वही कुछ अच्छा लाइफ में सक्सेसफुल हो पाता है, बाकी नहीं कर पाते, ऐसा इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे माइंड में बैठा है। दोस्तों मैं आज कहना चाहूंगा कि ये इंफेरिटी को हटा दो आपके माइंड से, ये भ्रम है, ये मान्यता है और कुछ नहीं। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं एग्जांपल के साथ आपको अगर बताना चाहूं तो एक किराना की शॉप या एक, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, एक किराना की शॉप या एक डॉक्टर और डिस्ट्रिक्ट डीलर, उसमें से कौन ज्यादा पैसा बनाता है? तो डिस्ट्रिक्ट डीलर ऑफकोर्स। तो अगर जो डिग्री से, अगर ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा नॉलेज होने के कारण जो हमारी लाइफ बनती है, तो मुझे एक बात बताओ, एक डॉक्टर ज्यादा पढ़ा है
या एक डीलर। ज्यादा पैसा खर्च पढ़ने में किसने किया, पढ़ाई में किसने किया, डॉक्टर ने या एक डीलर ने। ज्यादा नॉलेज किसके पास है, एक डॉक्टर के पास या डीलर के पास। अगर ज्यादा पढ़ने से ज्यादा सर्टिफिकेट से ज्यादा नॉलेज होने के कारण जो अगर हमारी लाइफ बनती तो फिर डीलर इतना ज्यादा इससे कई गुना पैसा क्यों कमा रहा है, क्योंकि नेटवर्क। दोस्तों ये भ्रम है, ये माइंड में से निकाल दो। मैं भी एक समय एक जमाने में मानता था, लेकिन आज मैं भी ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूं, फिर भी आज मेरी इनकम महीने का 7-8 लाख रुपया है। मेरा नाम ऑल ओवर इंडिया में, ये कंपनी के अंदर मैं जाए कहां पर भी जाता हूं, कोई भी फंक्शन में जाता हूं, पहली रो में मेरे लिए जगह बन जाती है। दोस्तों रीजन है नेटवर्क। तो अब आपको समझना है दोस्तों, लेकिन एक आपके माइंड में भी प्रश्न आता होगा कि अगर मैंने बोला कि यहां भी नेटवर्क बनता है, मार्केट में भी हम नोइंगली अनोइंगली नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो मार्केट में नेटवर्क क्यों ना बना के यहां क्यों बना रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो लिखा हुआ है, लिमिटेशंस। तो जो लिमिटेशंस है मार्केट में नेटवर्क बनाने का, एक स्टैग्नेंसी और एरिया रिस्ट्रिक्शन, ये दो कारण है मेरे हिसाब से। और इसी के कारण हम मार्केट में चाहे कितना भी काम कर ले, जितनी भी मेहनत कर ले, हम वहां पर सक्सेस या हम जो चाहते हो नहीं पे हम पा सकते। रीजन मैं आपको दिखाना चाहूंगा एग्जांपल से। चाहे एक किराना का शॉप या एक डॉक्टर कितने भी मेहनत कर ले, या एक डीलर जो आज इनकम कर रहा है, अच्छी इनकम कर रहा है क्योंकि डॉक्टर से ज्यादा नेटवर्क है उनका, लेकिन वहां पर एक स्टैग्नेंसी है। अगर किराना शॉप या डॉक्टर चाहे कितने भी मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, चाहे कितनी ताकत लगा दे, या एक डीलर जो भी इनकम करता है महीने का 8-10 लाख रुपया, चाहे कितनी भी ताकत लगा दे, वो अभी इससे आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि अभी इसका नेटवर्क स्टैग्नेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। ये उसकी चाहत से भी वो बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि दूसरी गली में दूसरा डॉक्टर या दूसरा किराना शॉप है, और एक जिले के आसपास दोस्तों उसको रिस्ट्रिक्शन है कि वो जिले के बाहर आपको नहीं जाना है, वहां टेरिटरी फिक्स कर दी गई है कि तुझे एक जिले के अंदर ही घूमना है, अंदर ही काम करना है, अंदर ही तेरा नेटवर्क डेवलप करना है। तो एक लेवल से ज्यादा वहां पर भी हमारा डेवलपमेंट नहीं होता, मतलब स्टैग्नेंसी और रिस्ट्रिक्शन, ये दो चीज का लिमिटेशन होने की वजह से मार्केट में आपकी सर्टिफिकेट भी एक लिमिटेशन से ऊपर आपको इनकम नहीं देगा। जैसे मैं एग्जांपल से बात करूं, तो आप एमबीए किया है, आप इंजीनियरिंग किया है, या आपने कुछ भी किया है, जो भी आपके पास बढ़ पड़ी डिग्री है, लेकिन वो डिग्री भी एक कीमत रखती है, उससे ऊपर आपको कभी नहीं देगी। और आपका जो सैलरी बढ़ेगा, आपका जो इनकम बढ़ेगा, वो जो हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से 10% to 20% ग्रोथ होगा, उससे आगे नहीं हो सकता। और इसी के कारण दोस्तों ये लिमिटेशन होने की वजह से मुझे समझ में आया कि अगर मुझे भी बड़ा बनना है, मुझे भी बहुत बड़ा सक्सेसफुल पाना है, बनना है मुझे, तो मुझे ये नेटवर्क की दुनिया छोड़ के ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज वाली नेटवर्क की दुनिया में आना ही पड़ेगा। और दोस्तों 15 जून को मुझे अक्कल आ गई और मैं लग गया काम पे सीधा सीधा। और आज ये स्टेग्नेंसी और एरिया दोनों लिमिटेशन यहां पर नहीं है, और मैं आज एंजॉय कर रहा हूं, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ यहां पर दिखाना चाहूंगा और प्रूव कर दूंगा। जैसे कि लाइव एग्जांपल, ये मेरा नाम है नीलेश कांतिलाल पटेल, मेरा 50,000 का नेटवर्क है, 8 लाख का महीने का इनकम है, 3 करोड़ मेरा टोटल अर्निंग है, और 10-10.5 साल से मैं काम कर रहा हूं। मेरे गुरु सीएल पटेल सर, जिनका 1.5 लाख का नेटवर्क है, जिन्होंने 25 लाख महीने का इनकम ले रहे हैं, और 25 करोड़ के करीबन उन्होंने इनकम किया है, 15 साल से कर रहे हैं। और हरीश सर जो कि हमारे मेंटर है, मुंबई से है, तीनों के मैंने आपको फोटो दिखा है, 2.5 लाख का इनका टर्नओवर है, जिनका 2.5 लाख का टीम है, नेटवर्क है, 30 लाख महीने का उनका करीबन इनकम रहेगा, और 30 करोड़ उन्होंने अभी तक शायद इनकम किया रहेगा, और 17 साल से वो काम कर रहे हैं। दोस्तों ये सब लोग एक दिन जीरो थे, वो मार्केट की दुनिया छोड़ के, बाहर की दुनिया छोड़ के इंडस्ट्रीज में आए, वो भी एक सामान्य। सीएन पटेल खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे खेतीबाड़ी खाते में, और हरीश सर खुद एक जॉब करते थे, एक आम इंसान थे। आज महीने का 30 लाख 25 लाख वो लोग ले रहे। लेकिन मैं एक बात और आगे यहां बताना चाहूंगा कि हम सब लोग एक ही प्रोफेशन में है, एक ही इंडस्ट्रीज में, एक ही कंपनी में है, तो हमारी इनकम अलग अलग क्यों है? महीने का 8 लाख और सर का 30 लाख क्यों? मेरा 3 करोड़ और सर का 30 करोड़ क्यों? रीजन सिंपल है, नेटवर्क जितना बड़ा उतना नाम और पैसा बड़ा, क्योंकि मेरा नेटवर्क 50,000 लोगों का है।
तो मेरा शायद कंपनी के एमडी के मोबाइल के अंदर मेरा नाम सेव नहीं है, लेकिन हरीश सर और सीएम पटेल सर का नाम सेव है। क्यों? क्योंकि वो डायमंड है और उसका नेटवर्क 1.5 लाख लोगों का है, 2.5 लाख लोगों का है। जब मेरा भी नेटवर्क 2-2.5 लाख 3 लाख का होगा, तभी मेरा भी नंबर कंपनी के एमडी के मोबाइल के अंदर रजिस्टर होना ही होगा। दोस्तों, कंपनी मतलब टर्नओवर और हमारी टीम के कारण जो टर्नओवर होता है, उसके कारण हमारी इनकम डिफरेंस है, और नेटवर्क के कारण। तो नेटवर्क में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि समय, मुझे दादा 10.5 साल हो गए और सर को 17 साल हो गए। सिंपल, आज आप 0-0 है, शुरू कर रहे हैं, आने वाले 2-3-4 साल के अंदर आपके साथ भी यही होने वाला है। कोई लिमिटेशंस आपके लिए नहीं है। मैंने बिजनेस शुरू किया था कपड़ों जब एड से, आज मेरा नेटवर्क 5-7 राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर चला गया है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया छोड़ के बाहर के देशों के अंदर मेरी टीम प्रोडक्ट सेल कर रही है, और जहां जब वहां पे नेटवर्क शुरू होगा, कंपनी शुरू वहां पे लॉन्च होगी, तब वहां लोग काम करेंगे, मेरा नेटवर्क वहां पर बढ़ेगा और यहां मुझे मेरे अकाउंट के अंदर पैसा जमा होगा। दोस्तों, ये ताकत है नेटवर्क की। अब अगर आपको बात समझ में आई हो तो दोस्तों, आपके माइंड से नेटवर्क के प्रति जो सूग है, नेटवर्क के प्रति जो चीड़ है, नेटवर्क के प्रति जो माइंड के अंदर जो मिसकंसेप्शन है, दोस्तों निकालना होगा, और यही सच्चाई है। लेकिन मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं दोस्तों, आपको रियल हिस्ट्री आपको बता के रहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज या नेटवर्क की बात करें तो दुनिया में अमीर और कामयाब लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी के लोग नौकरी और तलाश करते रहते हैं। कामयाब अगर होना है तो नेटवर्किंग जरूरी, अगर सफल होना है तो नेटवर्क बनाइए। दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोगों ने नेटवर्क का सहारा लिया, वो आज बहुत बड़े हैं। चाहे अमेजन की बात करो, चाहे फ्लिपकार्ट की बात करो, चाहे ओला की बात करो, उन्होंने नेटवर्क बनाया है। और मैं नहीं कहता दोस्तों, दुनिया को दिशाएं देने वाले, दुनिया के फेमस लीडर, जो दुनिया के टॉप लीडर्स है, जो दुनिया को राह दिखाने वाले हैं, वो न्यूज चैनल में हमेशा चमकते रहते हैं। वो लीडर्स लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक आम इंसान को आगे बढ़ने के लिए, लाइफ ड्रास्टिकली चेंज करने के लिए करना चाहिए। और एक एक लोग दिग्गज है दोस्तों, मैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं दे सकता हूं, आप स्क्रीन पर देखो और आप गूगल जाके चेक करो। दोस्तों, उसमें से इंपोर्टेंट बात ये आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सर जो आज करंट राष्ट्रपति अमेरिका के, और साथ में दोस्तों रॉबर्ट टी के साथ कनाडा के, अमेरिका दोनों ने साथ में मिलकर एक बुक लिखी है, व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, आज डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहे जिसका नाम है ट्रंप नेटवर्क। दुनिया की महासत्ता अमेरिका और अमेरिका की महासत्ता की चेयर पर बैठे हुए इंसान खुद आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहा है। हम किस खेत की मूली? और वो बोल रहे हैं कि हम क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, रेकमेंड करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी, दोनों ने, वो बिजनेस पार्टनर भी है और उन्होंने साथ मिलकर एक बुक लिखी। दोस्तों, पढ़ो, समझ में आएगा कि दुनिया कहां जा रही है और आने वाला फ्यूचर किसका है। मैनेजिंग टू बी वेल्दी दोस्तों, मिस्टर जॉन की सेस्टिना, जिनको 55 साल का फील्ड का एक्सपीरियंस है और वो वर्ल्ड फेमस फ्यूचर प्लानर के रूप से जाना जाता है, 1970 में रिलायंस ने उनके यहां 1 घंटा मिलने का टाइम लिया था धीरूभाई अंबानी ने, और उन्होंने सामने 1 करोड़ चार्ज लिया था, पे किया था। 1970 में 1 घंटा मिलने का 1 करोड़ रुपया लिया था, वो है जॉन सेस्टिना। तो उसमें इतना खास क्या था? तो उन्होंने कुछ ऐसा आइडिया दिया था और वो आइडिया से रिलायंस आज इंडिया की नंबर 1 है, वो आइडिया को यूज कर दिया। दोस्तों, मैंने परिचय दिया, तो यही इंसान ने एक रिपोर्ट लिख के दिया हुआ है कि 1940 से 1960 स्टील इंडस्ट्री टाटा स्टील जैसे लोग राज करेंगे, 1960 टू 1980 इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सोनी अकाई जैसी कंपनियां राज करेंगी। उन्होंने बोला 1980 टू 2000 तक कंप्यूटर विप्रो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां का राज रहेगा, और उन्होंने लिख के दिया है 2000 से 2040 तक डायरेक्ट सेलिंग ई कॉमर्स राज करने वाले हैं। दोस्तों, अब आप क्या कहना चाहोगे? यही है सच्चाई। और ऐसे बहुत सारे दिग्गज लीडर्स हैं, मैं इधर डायरेक्ट ज्यादा नहीं बता सकता हूं। और लास्ट में दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि हम सब जिसके मुंह पे नाम रहता है दोस्तों,
सबसे रिचेस्ट पर्सन है दुनिया का बिल गेट्स, उनको रिपोर्टर द्वारा पूछा गया था कि अगर आप जीरो हो जाओ, आप करोड़पति हो जाओ, तो कहां से शुरू करोगे अपनी लाइफ। उन्होंने बोला था प्राउड से, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं जीरो हो गया, शुरू से करना पड़ा फिर से मेरा लाइफ कैरियर शुरू, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत करूंगा। दोस्तों इतना बड़ा आदमी बोल रहा है तो फिर हम किस खेत की मूली, हम तो पहले से करोड़पति। समय मत गाओ दोस्तों, समय मत बिगाड़ो। आज आपको समझना है, यकीन करना है। और मैं नेटवर्क के बारे में दोस्तों, हमारे जो एक इंडिया के टॉप ट्रेनर्स है, बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने एक ट्रेनिंग लिया था, उसमें से 4 मिनट का क्लिप है जो मैं आज आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। ध्यान से आपको देखना है, एक प्रोसेस के द्वारा वो समझाते हैं, तो हम देखते हैं क्लिप। ये पूरा की पूरा सूटकेस लेके आया हूं, और ये सूटकेस इसलिए लाया हूं कि आप सच जानो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे घर में करीबन 2000 किताबें हैं, और ये 2000 किताबें ऐसा नहीं है जो कि पिछले 2 महीने में खरीदा, मैंने पिछले 18 सालों से मैं खरीद रहा हूं। उनमें से फाइनेंस रिलेटेड किताबें मैं आज लाया हूं, यू नो, जो मेरा फेवरेट है या सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा मान्य। मेरे को जरा चेयर दे देंगे, कोई एक आदमी। ये किताब है, दिखाता हूं मैं, किताब का नाम है वेल्थ ऑफ द नेशन, और इस किताब का ऑथर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ नाम आप में से कितने लोगों ने सुना है? ये कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पितामह एडम स्मिथ। आज से 250 साल पहले लिखा था एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ द नेशन। यू नो, इस किताब में सभी के सभी किताब पहले दिखाता हूं। पहले नंबर 2, चार्ल्स स्क्वैब, गाइड टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये चार्ल्स स्क्वैब नाम आप में से कितने लोगों ने सुना है? यू नो, ये कौन है भाई साहब? चार्ल्स स्क्वैब कौन है? आप सुना है, स्टॉक मार्केट में है। ओके, कुछ हद तक सही है, चार्ल्स स्क्वैब। और कोई जानते हैं इसके बारे में? चार्ल्स स्क्वैब दुनिया का पर्सनल वेल्थ का पिछले 40 सालों में नंबर 1 एडवाइजर है। ओके, इससे बड़ा आदमी आज तक दुनिया में फाइनेंस एडवाइजिंग में पैदा नहीं हुआ। पानी देना। ये रॉन ब्लू है, एंड ये उसका किताब है, किताब का नाम है मास्टर योर मनी। ये किताब है, वन बाय वन दिखाता हूं। ये किताब है वेल्थ विथाउट रिस्क, यानी संपत्ति बोलो या जो भी, विथाउट रिस्क। यह चार्ल्स गिवन्स है। चार्ल्स गिवन यूएसए का प्रेसिडेंट्स को पिछले 16 साल से एडवाइस कर रहा है। सेम चार्ल्स गिवन्स का दूसरा किताब है फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस। ये एक दो की तेज पन्ने वाला नहीं है, ये 600-800 पन्ने वाले मोटे मोटे किताब है। यू नो, पांचवा ये है रिच डैड पुअर डैड, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, रॉबर्ट कियोसाकी। पिछले 15 सालों में ये यू नो नॉर्मल इंडिविजुअल्स को, गरीब लोगों को अमीर बनाने में सबसे ज्यादा दुनिया में जिसने काम किया वो है। रिच डैड पुअर डैड का हिंदी किताब भी है, यू नो। उसके बाद दिस इज मनी डाइट, मार्टिन लेविस का। पैसा किस तरह होना चाहिए, पैसे के लिए जिंदगी में क्या करना चाहिए हर आदमी को, राइट? दिस इज द क्रिश्चियन कंसेप्ट ऑफ द क्रिश्चियन फाइनेंशियल कंसेप्ट सीरीज। यू नो, जैसा हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन एक धर्म है, उस क्रिश्चियन धर्म में फाइनेंस के बारे में जो सिखाया जाता है, हाउ टू मैनेज योर मनी, वो किताब है। दिस इज मनी 401 के टेक चार्ज ऑफ योर फ्यूचर बाय एरिक यू नो सुरनबर्ग। ये है गाइड टू इन्वेस्टिंग बाय रॉबर्ट कियोसाकी। और क्या, अगेन दिस इज अनदर नंबर 13। ये कैश फ्लो गेम, यू नो,
सीक्रेट्स ऑफ द रिच, यू नो ये बुक नहीं है, ये पुराने जमाने का वीडियो कैसेट है, आप जानते होंगे पुराने जमाने का क्या बोलते हैं इसको, VCR, VHS, VHS, यू नो 3 घंटे का ये लेक्चर है, वीडियो है। इट्स इजी टू बी रिच, ये सबके सब दोस्तों जितना मैं एक सूटकेस में भर के ला सका वो सब किताबें लाया हूं। ये सभी किताबों में फाइनेंस के बारे में, जिंदगी बनाने के बारे में, पैसे के बारे में, पूरा चीज पिछले 18 सालों में पढ़ने के बाद ये किताब रहने देना, यू नो बाकी सबको पैक कर देना, नहीं तो यहीं पर दोबारा दिखाना पड़ेगा। ये खास करके इसको साइड में रख देते और वो किताबों को साइड में रख देते। ये 70 पिछले 18 साल पढ़ने के बाद कंटिन्यूअसली, एक बार नहीं मैं इनमें से कुछ किताबें 10-10 बार पढ़ाऊं क्योंकि मैं लोगों को जाके सिखाता हूं। ये पूरा पढ़ने के बाद मुझे एक चीज समझ में आया कि दुनिया के सभी फाइनेंस एडवाइजर यही बोलते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। तो यह है नेटवर्क मार्केटिंग जो आपने जाना। अभी हम बात करेंगे, हिस्ट्री की ओर जाएंगे। 1958 में जब महामंदी चल रही थी वर्ल्ड पर, तभी 6.8% लोगों को एम्प्लॉय किया था, अनएम्प्लॉयमेंट हटाया था, तो ये डायरेक्शनिंग का हिस्ट्री है। 1960 में 2.5 मिलियन मतलब कि 25 लाख लोग 1960 में डायरेक्ट सेलिंग में उतर चुके थे और वहां से ग्लोबल के अंदर मतलब दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का सितारा चमकना शुरू हुआ। आगे बात करना चाहूंगा 1980 मतलब कि इंडस्ट्री शुरू हुई अमेरिका में 1940 से, मतलब 40 साल के अंदर ये इंडस्ट्रीज ने 9.7 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाया। और 1990 में अगर बात करूं तो इंडस्ट्री शुरू होने के बाद 50 साल हुए 1940 से 90 तक अगर बोले तो 50 साल में जो काम हुआ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में उतना ही काम 90 to 94 चार साल में हुआ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग लाइफस्टाइल में 2000 मैगजीन में बताया हुआ है, आप सर्च कर सकते हो। और दोस्तों जब दुनिया में एक आर्थिक मंदी जबरदस्त फैल चुकी थी उसी टाइम उसी दौरान नेटवर्क इंडस्ट्रीज में तेजी आई थी, उछाल आया था। जब दुनिया में रिसेशन स्टार्ट हुआ तब नेटवर्क के अंदर एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुआ था। रीजन जब लोगों के पास काम धंधा नहीं था, नेटवर्क इंडस्ट्रीज को समझने कोई ना कोई लाया या तो उसके बारे में जानकारी ली तो उनको समझ में आया ये 6 पॉइंट बहुत सारे एडवांटेजेस है, फायदा है ये बिजनेस इंडस्ट्रीज के, लेकिन ये 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 6 फायदे, ये 6 एडवांटेजेस के कारण लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में आकर के स्पीड में काम करना शुरू किया और आज ये इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी है। सबसे पहला फायदा सिक्योरिटी, ये बिजनेस का सबसे पहला फायदा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हर कोई इंसान अपनी लाइफ में जब दुनिया छोड़ के जाता है तब दो चीज पीछे छोड़ के जाना चाहता है, नोइंगली अनोइंगली, माने या ना माने, स्वीकारे या ना स्वीकारे। पहला है नाम हमारा पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं और दूसरा है हमारी फैमिली के लिए कुछ एम्पायर, कुछ ऐसा सिक्योरिटी करके जाए जो उसको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों ये सिक्योरिटी हम एक आम इंसान कभी नहीं कर सकता, लेकिन ये इंडस्ट्रीज आपको आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिक्योरिटी दे सकती है और आपका भी नाम आप पीछे छोड़ के जा सकते हैं। सिक्योरिटी जैसे धीरूभाई अंबानी दुनिया छोड़ के गए, रिलायंस रख के गए, रिलायंस छोड़ के गए, आज रिलायंस जब छोड़ के गए थे तभी 7,000 करोड़ की कंपनी थी, आज 2.5 लाख या 2.5 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। जब वहां छोड़ के गए 7,000 लोग काम कर रहे थे, आज करीबन 14 लाख लोग काम कर रहे हैं। वैसे ही ये इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे कुछ गुरु लोग हैं जो हमारे कुछ डायमंड लोग हैं, दो डायमंड है कि जो आज दुनिया छोड़ के जा चुके हैं लेकिन उसके घर आज हर महीना 25-30-40 लाख रुपया जा रहा है। ये हवा में बात नहीं हो रही है, ये प्रूफ है। और दोस्तों गुजरात का एक छोटा लड़का एक छोटा नेटवर्क क्रिएट किया था ये इंडस्ट्रीज में आने के बाद, आज लास्ट 2-3 महीने में उसका घर पे 30-33 हजार उसके घर पे हर महीने जा रहा है जो छोटा नेटवर्क था।
लेकिन एक डायमंड का नेटवर्क था 2.5-3 लाख, तो आज उसके घर पे 25-30-40 लाख। जब वो छोड़ के गए थे इंडस्ट्रीज, जितना इनकम आ रहा था आज उससे कई गुना ज्यादा, तो ये हम हमारी फैमिली के लिए सिक्योरिटी कर सकते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों आम इंसान की लाइफ में ये वर्ड कभी नहीं लिखा जा सकता, उसकी डिक्शनरी में कभी नहीं हो सकता, और उसके बारे में हम ज्यादा जानते भी नहीं। मैं आपको एक बात पूछ के ये बात समझाना चाहूंगा, पूछ सकता हूं दोस्तों, क्या आप प्लेन में बैठना चाहते हो या बैठे हो? क्या आप ताज होटल में गए हो? क्या आप कभी मार्केट में जाते टाइम आपके फैमिली में आपके बच्चे ने कुछ भी मांगा, जिस चीज पर हाथ लगा आप दे सकते हो? नहीं, नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास फाइनेंस है, लेकिन फाइनेंस को एक्सपेंस करने के लिए, फाइनेंस को यूज करने के लिए फाइनेंस फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम आज हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, हमारी जो इनकम है वो जरूरत ही नहीं पूरी कर पाती है, तो हमारे मोहसो क्या खाद पूरा कर पाएंगे? और पूरी लाइफ निकल जाती है कभी हमारी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब कि पैसे यूज करने की आजादी हमें कभी नहीं मिली। मैं भी यहां पर था, कपड़ों में रहता था इंडस्ट्री से पहले, महीने का 25-40 हजार रुपया भी नहीं कमा पाता था और बहुत टेंस रहता था। और आज मेरे लाइफ में 5-7 लाख रुपया महीने का आता है। कभी मेरा पासपोर्ट भी नहीं था, 10 बार में फॉरेन टूर करके आया। और दोस्तों मैं आज जो चाहूं वही यूनिवर्सिटी में, वही कॉलेज के अंदर मेरे लड़के का मैं दाखला करवा सकता हूं, उसको वहां पे एंट्री करवा सकता हूं, कारण मुझे टेंशन नहीं। दोस्तों लाइफ में जब फाइनेंस हमारी जरूरत से ज्यादा आने लगता है, मतलब इनकम हमारा एक लेवल से ऊपर जाता है, तब जाके धीरे धीरे करके हमारी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हमको मिलती है। और हम फिर किधर भी जाते हैं, हमारे फैमिली को जो भी मनचाही चीज है हम उसको खरीद के दे सकते हैं। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम हमारी लाइफ में, अगर जो एक आम इंसान की लाइफ में मिलता है तो डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा वो पा सकता है। टाइम फ्रीडम, समय की आजादी, मतलब हमारी इच्छा अनुसार हम समय व्यतीत करें, कभी नहीं हो सकता। हम 20 साल की उम्र में अगर काम शुरू करते हैं तो 60 साल होने के बावजूद भी हमको काम करना पड़ता है, हमको हमारी इच्छा अनुसार हमको टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है। दोस्तों पैसा तो शायद हम मार्केट में, शायद हमारे पास की है तो हम पैदा कर लेते हैं, लेकिन समय दोस्तों यहां समझना होगा कि ये इंडस्ट्रीज में 2-4-5-7 साल काम करने के बाद आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है। आपके मन चाहे प्रवृत्तियों में आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, जैसे मैं या हरीश शेट्टीकर सर हमारे गुरु है, और अगर आज 2-3 महीने वो बाहर निकल जाएंगे अपनी फैमिली को लेके फॉरेन में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आज उनको उनका नेटवर्क इनकम करके दे रहा है, तो उसको टाइम अपने हिसाब से स्पेंड करने का मौका है। क्या आज मैं आपको बोलूं कि आज समर चल रहा है दुनिया, मतलब कि आज आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपको हिल स्टेशन पर जाके एक महीना आपकी फैमिली को लेके जाके सकते हो क्या? नहीं। दो रीजन है, एक तो आपकी इनकम बंद हो जाएगी और दूसरा आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो उसी के कारण एक आम इंसान नहीं कर पाता। दोस्तों ये तीन चीज कभी भी एक साथ एक इंडस्ट्रीज में कभी नहीं मिलती। जिसके पास पैसा है उनके पास टाइम नहीं है यूज करने का, और जिनके पास टाइम ही टाइम है उनके पास पैसा नहीं, लेकिन ये तीनों चीज यही इंडस्ट्री से हमको मिल सकती है। और दोस्तों साथ में सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं बिजनेस में आया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं आया था, मुझे पैसा चाहिए था, मुझे मेरे पर कर्जा था, मुझे लाइफ सेटल करना था, लेकिन नॉइंगली अनोइंगली करते जाता गया, बिजनेस करता गया, मेरा पर्सनालिटी सेल्फ डेवलपमेंट होता गया। मुझे माइक से डर लगता था, बात नहीं कर पाता था, हिचकिचाता था, ट्रेनिंग देने के लिए मुझे नहीं आता था, 4-10 लोगों के बीच में नहीं बोल सकता था, लेकिन आज ये इंडस्ट्रीज ने मुझे पर्सनालिटी डेवलप दे दिया, ये सब मैंने मुझे बना दिया। न तो मैं पहले ऐसा लगता था, ना तो मैं ऐसे पहले दिखता था। सोच, एटीट्यूड, आपका काम करने का तरीका, आपका लुक, आपका हैबिट्स, आपका स्टिल, हर तरह से आपका चेंज आता है, और उसको बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। और मार्केट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पैसा लगता है, कोर्स करना पड़ता है। दोस्तों यहां आज तक मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, या मुझे ट्रेनिंग कैसा देना चाहिए,
लेकिन आज 10 दिन अगर 10,000 लोगों को कंटिन्यूअस ट्रेनिंग देना है तो विदाउट कोई टॉपिक रिपीटेशन किए बिना मैं कर सकता हूं। तो ये मुझे मिला यहां से मुफ्त में, फ्री में। तो दोस्तों एक्स्ट्रा बेनिफिट और रिड्यूस स्ट्रेस, बिना स्ट्रेस वाली जिंदगी। दोस्तों मार्केट में पैसा लोग कमाते हैं, नहीं कमाते ऐसा नहीं है, लेकिन कमाने जो महीने का 5 लाख 7 लाख कमाते हैं उसका स्ट्रेस क्या होता है। और एक बैंक मैनेजर को देखो, आपके बैंक में आज आप जाओ, आपकी सिटी के 5-7 बैंक में जाओ और बैंक मैनेजर का एक छोटा 2-4-5 मिनट का वीडियो बनाओ, एक भी बैंक मैनेजर आपको हंसता हुआ नजर आए तो मुझे बोलना दोस्तों। क्यों? उसका महीने का शायद 1,00,000 रुपया पगार रहेगा, कैबिन अलग से दिया हुआ है, उनको गाड़ी भी दिया रहेगा शायद कंपनी ने, बैंक ने, तो खुश क्यों नहीं है, हैप्पी क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी बैंक की लायबिलिटी और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर है। अगर एक घपला हुआ तो वो टेंस उसको दोस्तों खाया जा रहा है। एक कंपनी के अंदर अगर आपका इनकम है, महीने का सैलरी है आपका 40,000 और बढ़ा के आपका 60,000 कर दिया जाए, तो मुझे बताओ आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, आपका टारगेट बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। लेकिन यही एक बिजनेस है जहां आपका इनकम बढ़ता है, आपका आपका लाइफ अच्छा होता है, मीनिंगफुल लाइफ बनता है और साथ में आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। आज अगर एक बैंक मैनेजर को महीने का 1,00,000 रुपया अगर सैलरी है तो इतना टेंस और इतना जवाबदारी, इतना उनको जिम्मेदारी है, तो मुझे महीने का 7-8 लाख आता है तो कितना होना चाहिए? तो 7 बैंक मैनेजर को जितना पैसा आता है, 7 बैंक में मैनेजर को जितना पैसा इनकम आता है उतना मुझे अकेले को आता है। तो 7 लोगों का जिम्मेदारी, 7 लोगों का स्ट्रेस मुझे अकेले को होना चाहिए? है बिल्कुल नहीं। क्यों? ना तो मेरा गोडाउन है, ना तो मेरा दुकान है, ना तो मैं लोगों को सैलरी देना है, ना तो मुझे मेरा कोई लायबिलिटी यहां पे है, ना तो मुझे लोगों को यहां प्रोडक्ट पहुंचाने का या उनके घर पे इनकम पहुंचाने का जिम्मेदारी है, वो सब डायरेक्ट कंपनी करती है। फिर भी महीने का 1 करोड़ टर्नओवर मेरा नेटवर्क करता है और उसका बेनिफिट मुझे मिलता है। तो ये है दोस्तों, ये बिजनेस मार्केट से अलग है, डिफरेंट है। जब दुनिया में इनकम के लिए, इनकम बढ़ती है तो स्ट्रेस बढ़ता है, यहां जैसे इनकम बढ़ती है जितना मुझे स्ट्रेस है, शायद मेरे अपलाइन मेरे गुरु हरि सेठीकर सर को नहीं रहेगा, क्योंकि वो डायमंड है, उनका महीने का 25-30 लाख आता है, तो मेरे जितना भी उनको स्ट्रेस नहीं रहता, क्योंकि मुझे वहां पहुंचना है तो थोड़ा स्ट्रेस होगा, मुझे उतना काम करना होगा। लेकिन आज वो मेरे से भी सेफ है, मेरे से भी ज्यादा इनकम करने के बावजूद वो मेरे से भी कम स्ट्रेस रखते। ये बिजनेस दोस्तों क्या नहीं देता, समझ लो, समझने जैसा दोस्तों। और टैरिफ टैक्स बेनिफिट, क्यों नोटबंदी हुआ? तो आज भारत सरकार डिजिटल इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं, व्हाइट इनकम। तो यहां पर दोस्तों लीगल, मोरल, एथिकल बिजनेस होने के कारण हम पैसा जो मिलता है टीडीएस कट के आता है तो व्हाइट इनकम बनता है। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि लास्ट ईयर भारत सरकार को करीबन 9.5 लाख रुपया मैंने टैक्स पे किया। कितना अच्छा होता है कि हमारे कारण हमारा देश का जो डेवलपमेंट है उसमें हमारा कुछ योगदान होता है। लेकिन अगर 100 रुपया आता है तो हमको 10-15 देना होता है, तो हम खुशी खुशी देते हैं, लेकिन 100 आना चाहिए ना। लोग 100, 10 न देना पड़े उसकी वजह से 100 कमाने का दोस्तों सोचते नहीं। तो ये सब दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे फायदे जो आप पार्ट 2 के लास्ट में आपको बताने वाला हूं। तो ये समझ, जैसे जैसे लोग समझते जाते हैं ये इंडस्ट्रीज में स्पीड में आते हैं, अपनी कैरियर बनाते हैं और अपनी लाइफ खुशहाल बनाते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का सिनेरियो तो हमने देखा दोस्तों, 1941 में शुरू हुआ और 120 से विकसित राष्ट्रों में आज सक्सेसफुली ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रही कंपनी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां करना चाहूंगा कि आज मार्केट में हम 2-4-5 साल, 10 साल या 40-60 साल काम करने के बावजूद भी करोड़पति क्यों नहीं बनते, यहां क्यों बनते, थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि ये तो मैंने बात करी दोस्तों, कंपनियों का, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का एवरेज ग्रोथ 20% से शुरू करके 300% होता है और मार्केट का ग्रोथ 20% से डाउन है। मार्केट में कोई भी काम करो 20% से कम आपका ग्रोथ होता है और यहां पर 20 से शुरू होता है डायरेक्ट सेलिंग में। ये तो कंपनियों की बात करी। अगर पर्सनल बात करूं मैं, एक इंसान जब काम करना शुरू करता है, अगर सैलरी उनका 10,000 है तो अगले साल में उसका सैलरी क्या रहेगा, तो 11 से 12 हजार। तो ग्रोथ कितना हुआ? 10-20%। अगर अगले साल बात करेंगे तो 14,000, उसके अगले साल 16,000, उसके अगले साल 18,000, उसके अगले साल 20,000, 22,000, 24,000, 25,000, 30,000, 32,000, 35,000, 40,000 और 60,000, 70,000 होने तक
हमारा एज भी 60 साल से ऊपर, मुंह में दांत नहीं है, माथे पे बाल नहीं है और शरीर में एनर्जी नहीं है। तो ये सच्चाई है लाइफ की। ये मैंने बात करी दोस्तों, मार्केट में हम क्यों ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, क्यों ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे पर दोस्तों ग्रोथ का परसेंटेज जो रेशियो है वो पूरे पूरे वर्ल्ड का रेशियो 10-20% है। और मजे की बात मैं आगे बोलूंगा, उससे पहले एक बार बिजनेस की बात में मैं आपको बता दूं कि बिजनेस में भी यही रेशियो काम करता है। वॉल्यूम लार्ज होता है इसलिए पैसा ज्यादा आ सकता है। लेकिन यहां पर देखो, अगर एक कोई बिजनेस है छोटा जो महीने का 1,00,000 रुपया सेविंग कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, तो अगले साल वो महीने का कितना प्रॉफिट कर पाएगा? तो 1,25,000 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। परसेंटेज कितना हुआ? 10-20%। मतलब इन्फ्लेशन रेट के साथ अगर टोटल आप बोले प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में 10-20% से ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलता। और इसलिए मैं दुनिया छोड़ के, बाहर का बिजनेस काम धंधा छोड़ के नेटवर्क की दुनिया में आया, क्योंकि यहां 20% से तो शुरू होता है। और मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मैं पहले साल में बिजनेस में आया था, मैंने कहा मेरा टोटल इनकम एक साल का 1,00,000 था। मेरे पहले साल का डायरेक्ट सेलिंग का इनकम 1,00,000 अगर डिवाइड करोगे तो 8,500 रुपया आएगा महीने का। और दूसरे साल के अंदर मेरा इनकम हुआ 10,50,000। अभी वो 12 से डिवाइड करोगे तो महीने का 80-90,000 आएगा। मतलब पहले साल में मेरे महीने की इनकम थी 8 से 9 हजार, दूसरे साल में मेरे महीने की इनकम सीधी 80 से 90 हजार। तो कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ और मुझे मिला? तो 1,050% ग्रोथ मिला। दोस्तों ये है चमत्कार, ये है जादू डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क का रीजन के कारण, क्योंकि मेरे साथ नेटवर्क क्रिएट होता है और वो सब लोग काम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में ग्रोथ यहां होता है। अरे 1,000 छोड़ो दोस्तों, आज बारे में आपको बोलो कि 200-300% ग्रोथ अगर आप नेटवर्क की दुनिया में करते जाते हो तो 5वें, 7वें या 8वें साल में आपको करोड़पति वो बना ही देगा, बनना ही पड़ेगा और बन ही जाओगे। अगर ये ग्रोथ 200-300% ग्रोथ के रेट से भी आप चले तो भी आप करोड़पति बन के ही रहोगे 5 से 7-8 साल, और इसलिए बन सकते हैं, कोई जादू नहीं है उसमें, क्योंकि ये परसेंटेज हमारे पीछे लगता है, काम करता है मल्टीप्लीकेशन में ग्रोथ। कॉपीकैट मार्केटिंग दोस्तों, आज फ्रेंचाइजी का जमाना है, वर्ल्ड में फ्रेंचाइजी का राज है और ये बुक में लिखा गया है और ग्राफ दिखा गया है। 1950 में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ और धीरे धीरे शुरू हुआ दोस्तों, आज 90 में एकदम स्पीड पकड़ा जो मैंने आपको आगे दिखाया, और 90 से जो हिसाब से ग्राफ जा रहा है 2010 के बाद ये ग्राफ ऐसे जाना जा रहा था, मुड़ के ऊपर की ओर जा रहा। तो ये है और यहां पे लिखा है दोस्तों 1990 से 2040, ये सेंटर बताया है 1990 से 2040 मौका की बारी, मतलब कि ये हमारा ग्राफ ऊपर ही जाने वाला है, जो भी अभी जा रहा है उससे भी एकदम ऊपर की ओर स्पीड से ग्रो करने वाली है इंडस्ट्रीज। और 2040 तक तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा, सब लीडरों ने बोला है, सब दिग्गज लीडरों ने, दीर्घदृष्टाओं ने बोला है। तो ये आपको फायदा उठाना चाहिए 2040 तक, और इसलिए 21वीं सदी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज राज करने वाली है। और आज 2020 चल रहा है और नेटवर्क की दुनिया में 5-7 साल आप रुक गए काफी है, 10 साल मैक्सिमम आप काम कर लिया काफी है, आपकी लाइफ आपकी आने वाली 10 पीढ़ी के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड ओवर क्या है मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा। यूएसए अमेरिका के अंदर 31 करोड़ की पॉपुलेशन है और वहां पे टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग में 2,20,000 करोड़ का हुआ। थाईलैंड में हमारे गुजरात के जितना वो देश है, गुजरात राज्य के जितना देश है, वहां पे 18,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। और इंडिया 130 करोड़ का पॉपुलेशन है और वहां पे अभी 2-3 साल पहले 7,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था। तो दोस्तों इतना डिफरेंस आप देख सकते हो, 50 साल 90 साल काम करने के बावजूद 31 करोड़ की पॉपुलेशन 2,20,000 करोड़ तक टर्नओवर पहुंचा है। तो ये जो आपको दिख रहा है वो हमारा फ्यूचर है, 130 करोड़ लोग 7,600 करोड़ से हमको उठा के कहां रख जाएंगे दोस्तों, 130 करोड़ लोग क्यों? क्योंकि 2013 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भारत सरकार ने काम शुरू किया और अपना रवैया बदला और प्रोटेक्शन शुरू हुआ। मतलब सही डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग इंडिया में तो अब शुरू हुआ है। तो ये 130 करोड़ लोग 30 करोड़ हम 100 करोड़ ज्यादा है इधर अमेरिका से 100 करोड़ ज्यादा है। अभी मैं आपको समझ में नहीं आया तो एक और बात बताता हूं,
18 करोड़ 70 लाख लोग ब्राजील देश में है, उतना हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में 18 करोड़। मेक्सिको में 10 करोड़ लोग हैं तो हमारा महाराष्ट्र में 10 करोड़। एक एक देश के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उतना हमारा एक एक राज्य में है। मतलब कि अगर इतना डेवलपमेंट हुआ है वर्ल्ड में, दुनिया के देशों में डायरेक्ट सेलिंग में, तो जितना 60-70-80 देशों में जितना डेवलपमेंट हुआ है हमारा एक इंडिया में हो सकता है, क्योंकि हम 60-70-80 देशों के बराबर एक है। तो ये डेवलपमेंट हमारे खाते में लिखा जाने वाला है इंडिया के, इसमें से हमारा कितना हो सकता है आपको सोचना है। और अब मैं बात करूंगा वर्ल्ड की बात, विश्व के अंदर क्या डायरेक्शन ये बताया, अभी मैं इंडिया की बात करना चाहूंगा। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सही है सर, इंडिया में मतलब वर्ल्ड में इतना अच्छा हुआ, डेवलपमेंट ये हुआ, तो फिर इंडिया में क्यों नहीं हुआ, और अभी इंडिया में होगा इसका रीजन क्या, कारण क्या, दोनों का एक ही कारण है। इंडिया में अब तक क्यों नहीं हुआ या होगा, रीजन क्या है, तो एक टेक्नोलॉजी है, दूसरा रीजन है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, एक एक्ट द प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम मैनिंग एक्ट 1978, ये जो कायदा है, जो कानून है, उसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि ये कानून ऐसा बोलता है। और जो बनाया गया था ऐसी ठग कंपनियों को, जो मनी चीट कर रही कंपनियों को, प्राइस चीट कर रही और मनी सर्कुलेशन करने वाली कंपनियों, जो लोगों को ठगने वाली कंपनियों के लिए ये कानून बनाया गया था 1978 में, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हुआ भारत सरकार की ओर से। और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग जब इंडिया में शुरू हुआ, डायरेक्ट सेलिंग जब इंडिया में आया 95 में, तब ये कानून के नीचे वो हेड आता था, ये कानून के नीचे मतलब ये हेड के नीचे आता था, और उसी के कारण ये इलीगल माना जाता था। लेकिन वर्ल्ड में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के लिए अलग अलग कानून है, आप चाहे लंदन में देखो चाहे अमेरिका में देखो, लेकिन यहां पे नहीं था और उसकी वजह से ये झेलना पड़ा। लेकिन 2013 में पहली बार दोस्तों ये इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ी डिमांड थी, पहली बार सचिन पायलट जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे 2013 में उन्होंने बोला कि अच्छी और बुरी कंपनियों को अलग करने की जरूरत है और अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए नियम बदलेंगे। और पहली बार दोस्तों इंडिया में, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया में पहली बार 2013 में कोई एक स्टेट के लिए डायरेक्ट सेलिंग के जो कानून थे उसी में से बाहर निकाला और यहां दिखाया कि अब डायरेक्ट सेलिंग के लिए गवर्नमेंट की ओर से जो भी संस्थाएं हैं उनमें से कुछ लोगों को लेके एक बॉडी बनेगी। और पहली बार 2013 में दोस्तों फिक्की के पीएचडी लोगों को लेके एक एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क के अंदर, एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क के अंदर दोस्तों एक रेगुलेटरी बनाई गई बोर्ड, और उसमें ये जो आप देख रहे हो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग पर बनेगी नई नीति का एक नारा मिला। और एक फिक्की चैंबर्स ने लेके एक 2013 में मेगा इवेंट किया और उसके अंदर दोनों उन्होंने घोषित किया कि 2020 तक 34,000 करोड़ तक डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर होने की उम्मीद है। दोस्तों 7,500 करोड़ से 20 तक 34,000 की संभावना बताई। और दूसरे साल एग्जैक्टली दूसरा महा मेगा इवेंट किया गया जहां पर डायरेक्ट 2040 के नाम से, और वहां कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर बदल चुके थे रामविलास पासवान जो आज भी चल रहे हैं, उसके नजर में उसकी निगरानी में दोस्तों ये बॉडी ने फिर से एक बार डायरेक्ट 2040 के नाम से एक मेगा इवेंट किया और फिर से घोषित किया कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 64,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी। देखना ये होना ही है, चाहे हम काम करें या ना करें उसमें से हमारा कितना होगा। जैसे आज डायरेक्ट सेलिंग उद्योग इंडिया में जितना भी टर्नओवर हो रहा है शायद 18,000 करोड़ के आसपास रहेगा अभी लास्ट ईयर, तो उसमें से मेरा 50 करोड़ का योगदान, 64,000 करोड़ का जब टर्नओवर होगा 2025 तक आपका कितना रहना चाहिए आपको देखना। और तीसरा मेगा इवेंट 2015 में हुआ और उसमें लिख के दे दिया 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। दोस्तों कितने दिन हम चीड़ रखेंगे डायरेक्ट सेलिंग से, यही हमारा फ्यूचर। और दोस्तों यहां रुकते नहीं हम, इंडिया ने 2016 में 12 सितंबर के दिन एक गाइडलाइन जारी करी और बोला सब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के नाम पर जितनी भी कंपनियां काम कर रही है अगर गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रही है तो आए रजिस्ट्रेशन करवाए। और मुझे पहला दोस्तों कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि उसमें पहला रजिस्ट्रेशन अगर हुआ है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में, अगर पहला रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन जारी होने के बाद अगर हुआ है तो वो है MI Electrical Marketing Global Private Limited कंपनी का।
ये रामविलास पासवान है और ये हमारे कंपनी के एमडी गॉडफादर हमारे, जिन्होंने जिनकी वजह से कंपनी शुरू हुई और पीछे सब हमारे लीडर्स लोग हैं। और मैंने आपको बोला था हमारे डायमंड, दो डायमंड एक्सपायर्ड हो चुके हैं दोस्तों, उसमें एक हमारे विमल सरीन जो दिल्ली से बिलोंग करते थे, वो आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसी दिन थे और आज महीने का 25-30 लाख उसके घर जा रहा है। तो ये है दोस्तों गवर्नमेंट की ओर से जो रजिस्ट्रेशन हुआ, आज हमारी कंपनी इसमें रजिस्टर्ड है और हम आज एफडीएस है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हम मेंबर भी है। और 2018 में सोविनियर गवर्नमेंट के कुछ मतलब निकाला था और उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी हस्तियां ने अपना विचार रखे हैं, अपने मंतव्य दिए हैं नेटवर्क के प्रति। तो ये सोविनियर भी आप देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, गूगल चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। लेकिन मैंने कुछ ही लीडर्स के आपको मैं दिखा रहा हूं बातें। जो अमिताभ कांत सर है, जो सीईओ है नीति आयोग के, आयोजन पंच के हेड अगर बोलते हैं हम, तो उन्होंने भी बोला, विजय रूपाणी साहब ने बोला। तो दिल्ली आज दिग्गज लीडर जो आप हमारा देश को चलाने वाले टॉप लीडर्स है, उन लोगों ने भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ ने कुछ बात करी है दोस्तों। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 2018 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास हुआ और उसमें उसमें दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का भी नाम डाला गया है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग का लोकसभा के अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग आज दर्ज हो चुका है। तो ये इससे बड़ा प्रोटेक्शन अभी हमें क्या चाहिए। तो ये बिजनेस इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप होना ही है दोस्तों। ये यहाँ एक वीडियो है लेकिन मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, छोटा वीडियो है, लेकिन ये न्यूज चैनल में आया था। अमिताभ कांत जो सीईओ नीति आयोग और जो भी अभी भारत सरकार के 5 बड़े प्रोजेक्ट है उसके इंचार्ज, उसके हेड भी है, उन्होंने बताया कि भारत डेवलप कंट्री बनेगा तब उसमें सबसे बड़ा योगदान डायरेक्ट सेलिंग का रहेगा। और एक ही डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्रोफेशन है कि जो हमारे आज दो प्रश्न से जो हमारे आज भारत देश के प्रमुख जो प्रॉब्लम है, मुश्किल है, एक है बेरोजगारी और दूसरा है डिजिटल इंडिया करने के लिए, व्हाइट तरफ लोगों को ले जाने के लिए अगर हमको करना है, तो ये मुश्किल जो प्रॉब्लम है, तकलीफ है, उसमें से अगर सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा अगर हमको अगर उम्मीद की जा सके और हमको बाहर निकाल सके तो वो डायरेक्ट सेलिंग। मैं नहीं बोल रहा हूं, उसका खुद का वीडियो आप देख सकते हो आपके अपलाइन के पास से लेके। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज अनलिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है और आने वाले 2025 तक ऐसा रेगुलेटरी ने दोस्तों बोला है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 18 मिलियन यूथ, मतलब कि 1,80,00,000 युवा जिनकी उम्र 20 से 40 के बीच में है, आने वाले हैं अपने कैरियर बनाने के लिए। मैं नहीं बोल रहा 20 से नीचे और 20 से ऊपर वाले की अलग बात है, वो इसमें नहीं गिने। 1,80,00,000 यूथ अपनी कैरियर बनाने के 2025 तक आने वाले हैं, 5 साल में जागना होगा, डायरेक्ट सेलिंग पहुंचेगी सौरभ के पास। और एक हिस्ट्री हमारी कंपनी ने हिस्ट्री करके रखी है दोस्तों, इंडिया के अंदर कोई भी इतना बड़ा गैदरिंग नहीं हुआ कि जिनके अंदर कोई मिनिस्टर गवर्नमेंट की ओर से आया हो। पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में लिखा गया, वो भी डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास के अंदर, माय लाइफ में प्रूव करके दिया। और मिनिस्टर फूड एंड कंज्यूमर अफेयर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से मिस्टर रामविलास पासवान आए थे और वहां पर उन्होंने खुद ने बताया था दोस्तों। और उसके साथ में एफडीएसए के चेयरमैन मिस्टर एपी रेड्डी सर भी आए थे और उन्होंने 10 मिनट का दोस्तों 8-10 मिनट का स्पीच दिया था। उनमें उन्होंने बताया था कि आप सब लकी हो, मैं भी लकी हूं कि इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी में आप लोग काम कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि डायरेक्ट सेलिंग में ये कंपनी नंबर 1 है और आने वाले 5 साल के अंदर ये कंपनी 25 देशों के अंदर काम करने जा रही है। और आप लोग बने रहो, अपनी लाइफ बनाओ, आप सबसे लकी पर्सन हो दोस्तों। मैं नहीं बोल रहा हूं, हिंदी में है, आप वो भी सुन सकते हो। और आज गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल गया है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया है जिसके कारण देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो आज उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी में कोर्स सिलेबस आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग का। और मैं बोलूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, कॉमर्स यूनिवर्सिटी के अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स सिलेबस लग चुका है। और विद्यालय मतलब कि यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी विद्यालय में जल्दी ही शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। और यहां लिखा है दोस्तों, आने वाले समय में विद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग का पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और युवाओं को आने वाले समय में या अगली पीढ़ी को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करना मजबूरी होगा
और आने वाले दिनों में ऐसी कंपनी में जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा जैसे आज रिलायंस में नौकरी लेना, वैसे ही आने वाले टाइम पे माई लाइफ जैसी कंपनियों में एंट्री लेना भी मुश्किल होने वाला है। आज लोगों को खींच के पकड़ के बाय प्रेशराइज लाना पड़ता है, ये होना ही है। और दोस्तों आगे बात करूं मैं, ये भाई साहब ने किताब लिख डाली जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग ग्रंथ, 4 भाषाएं के अंदर अवेलेबल है और उसमें 72 पेज पर लिखा है उन्होंने कि आने वाले समय में लोग अपनी लड़की की शादी नेटवर्कर से करने में गर्व समझेंगे। और उन्होंने यहां तक लिखा और बोल के दिया है दोस्तों, अब आने वाले समय में अपनी लड़की की शादी एक्टिव हर महीने ग्रोथ कर रहे हैं, MLM सिस्टम को 100% अपनाए हुए, कंपनी के अच्छे पदों पर पहुंचे हुए नेटवर्कर के साथ अपनी लड़की की शादी करने में गर्व समझेंगे। और आने वाले समय में अखबार में यह विज्ञापन लड़की की वालों की तरफ से होगा, एक अच्छा सुयोग नेटवर्कर वर चाहिए। दोस्तों एक जमाना आएगा, एक समय बहुत नजदीक आने वाला, सेलिब्रिटी को अगर आपके आसपास आएगी तो आप सुनने के लिए जाते हो, देखने के लिए जाते हो। अभी आने वाले समय में कंपनी के मतलब डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में टॉप जो अर्नर्स है, लीडर्स है, उनको देखने सुनने के लिए लोग भागने वाले, ये समय दूर नहीं है, संभलो दोस्तों। और इसलिए मुझे लगता है मेरा इंडिया मेरा प्राइड 100% बनेगा, मेरा भारत महान, हमारा भारत महान, डायरेक्ट सेलिंग का योगदान उसमें बहुत बड़ा रहने वाला है। यही आपको आज दोस्तों समझना होगा, जो लोगों ने ये इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ज्यादा पैसा कमाया है, 2013 में जो टॉप 100 अर्नर्स है जो इनकम किए हुए थे उसका मैं कुछ यहां फोटोग्राफ आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहला है इसमें एंजेला लियू रायनो हो, जो न्यू स्किन नाम की कंपनी में काम करते थे, सिंगापुर के हैं, और उन्होंने $1,30,00,000 एक साल में कमाया, मतलब उसी टाइम उसका रेट था 65, तो अगर हम पकड़ेंगे तो 84 करोड़ 50 लाख रुपीस एक साल के अंदर एक कपल ने डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में कमाया हुआ है, और महीने का होता है 7 करोड़ 4 लाख रुपया। सिंगापुर माने हैं गुजरात से भी छोटा देश, अगर वहां पर 7 करोड़ इनकम किया जा सकता है और वो भी शॉर्ट टाइम है, मतलब मैं प्रूव करके देता हूं, आपको ये फोटो देखने के बाद आयु कितनी लगती है उनकी, तो करीबन 35 के आसपास। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कब किया रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 साल के बाद ही कर सकते हो, क्योंकि पान कार्ड ही नहीं आता, राइट भी नहीं मिलता, तो 18-20 साल के बाद उन्होंने काम शुरू किया, 35 साल आज हुए, तो कितने साल हो गए, ज्यादा से ज्यादा 15 साल या ज्यादा से ज्यादा 17 साल, तो 15 साल 17 साल काम करने के बाद जो अगर महीने का 7 लाख रुपया अगर सिंगापुर जैसे छोटे देश में अचीव किया जा सकता है, तो मेरा भारत महान, 130 करोड़ लोग हैं, 15 साल यहां काम करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यही हमको देखना है। और इसीलिए हमारी कंपनी इंडिया में नंबर 1 बनके फास्ट वर्ल्ड में नंबर 1 बनने वाली है, क्योंकि ये आप देख रहे हो हर एक देश, अलग अलग देश अलग अलग कंपनी में काम करते लोग, जैसे जर्मनी, रशिया, ब्राजील, कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण अफ्रीका या हांगकांग, बहुत अलग अलग देश से अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अपना लाइफ बनाया है। और दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वुमन एम्पावरमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 60% से ज्यादा लेडीज लोग आज टॉप अर्नर और लीडर के बीच अपना नाम दर्ज कर चुके हैं, और ये जो जगह खाली है इंडियन लोगों के लिए। दोस्तों आने वाले टाइम में इंडियन लोग इधर आएंगे और शायद इससे भी ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, और शुरुआत हो चुकी है, इंडिया में अभी 60-70-80 लाख महीने का लेने वाले लोग पैदा हो चुके हैं, बहुत जल्द दोस्तों हम इन लोगों को भी क्रॉस कर सकते हैं, और शायद आपका भी एक नाम उसमें रह सकता है आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद इन्हीं लोगों के बीच आपका नाम भी हो सकता है, ये आपको समझना होगा। पॉल जैन पेजर जो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है और दोस्तों जिन्होंने एक बुक लिखी है द वेलनेस रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड में, उनको पूछा गया था और उन्होंने बोला था कि आज जो करोड़पति की संख्या है वो बढ़कर 2 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी। जब उनको पूछा गया कि इतने करोड़पति कहां से आएंगे, तो उन्होंने इशारा किया था कि जो घर से संचालित किए जा सकने वाला जो उद्योग है जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है, वहां से ये करोड़पति आने वाले हैं। दोस्तों समझो ये बनी बनाई बातें नहीं है,
ये प्रूफ के साथ मैं आपको बोल रहा हूं। और दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग उद्योग पर, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अभी लास्ट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको हिस्ट्री बताया और वर्ल्ड का, इंडिया का, और कहां स्टार्ट हुआ कैसे उसके बारे में बात किया, लेकिन अब मैं आपको बात करने वाला हूं कि ऐसा क्या सीक्रेट है, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या पावर है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में जिनके कारण 5-7 साल के अंदर हमारी लाइफ बनती है। तो अभी ये हम सीक्रेट देखने वाले हैं दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ और आप समझते रहेगा कि कैसे एक आम इंसान की लाइफ में कोई गुरु मंत्र या कोई सीक्रेट लग सकता है और आप भी बड़े बन सकते हो। सबसे पहले देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, जुबानी प्रचार या रिकमेंडेशन। और यहां आप देखोगे जो आप ऑलरेडी जानते हो लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, ये मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का तरीका और हम वहां से खरीद के आए हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट की हम परंपरा है जो हम आज तक निभाते हैं, हम यहां से खरीद के आए। डायरेक्ट सेलिंग में बीच में से इन लोग जो प्रॉफिट ले रहे थे, जो 40 रुपए का सामान हमारे यहां पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता था, बीच में उनका प्रॉफिट 60% बांटे जाते थे, वो 60% अभी एक डायरेक्ट सेलर को मिलता है। मतलब कि जो प्रोडक्ट परचेज करता है उनके हक में जा सकता है अगर वो ये सिस्टम में सेट होके थोड़ा अपने आप को ढांचे में डालेगा तो आगे बढ़ सकता है। जैसे यहां कुछ माइनस पॉइंट है कि ये जो रिटेलर है कभी नेशनल डीलर की, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम नहीं ले सकता, यहां से यहां ग्रो नहीं हो सकता, वो 25-40-50 हजार महीने का कमाता है, लाइफ टाइम वही कमा सकता है। यहां खासियत है कि यहां कस्टमर से लेके वो अपनी कैरियर शुरू करता है, जैसे कस्टमर बनता है तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी बना देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन में फ्री में होता है रजिस्ट्रेशन, और तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हमारी यहां जर्नी शुरू होती है। आप कितना चाहत रखते हो, कितना मेहनत करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ग्रोथ। और जैसे आज महीने का 8-10 लाख ये लोग कमाते रहेंगे, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर शायद इतना भी कमाते रहेंगे, आज मैं भी शुरू कर किया था महीने का 8-9 लाख तक पहुंचा हूं। जैसे एक सेल्स एजेंट महीने का लाखों रुपया कमाते हैं, महीने का 25-30 लाख या महीने का 50 लाख या करोड़ कमाते हैं, दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर भी लोग यहां वहां तक पहुंचे हुए। तो यहां से यहां आपका सफर नहीं हो सकता, डायरेक्ट सेलिंग में जीरो से शुरू करके आप नेटवर्क के थ्रू अपना सफर तय कर सकते हो, बड़े बन सकते हो। आज मैं यहां हूं और एक दिन महीने का 25-30 लाख जो नेशनल डीलर ले रहा है, आने वाले 2-2.5 साल के अंदर मैं वहां पहुंच सकता हूं, जैसे आज हरिशेट्टीकर सर जी है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। यहां अगर आपको काम करना है, पैसा लगाना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ता है, और दोस्तों 95% बिजनेस फेल होते हैं। तो यहां कुछ लगाया नहीं, कुछ गंवाने का चांस ही नहीं है, तो यहां लॉस नहीं है, आगे बढ़ने का मौका और चांस बहुत बड़ा है। तो कुछ बातें हैं दोस्तों, थोड़ा ज्यादा ट्रेनिंग में समझेंगे जब अलग अलग टॉपिक रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है और ये इंडस्ट्रीज के गुरु मंत्र है OPMOP। दुनिया में लोग आज एक सक्सेसफुल बन के राज कर रहे हैं उसके पीछे गुरु मंत्र काम करता है, और जिसका नाम है OPMOP, अदर पीपल मनी अदर पीपल एफर्ट्स। दूसरे लोगों की पैसा और दूसरे लोगों की मेहनत बोलने में और सुनने में खराब लगता है, लेकिन यह सच्चाई है। दुनिया में जो लोग जीते हैं ना, यही कॉन्सेप्ट के कारण जीते हैं, यही गुरु मंत्र यूज करने के कारण जीते हैं। मैं यहां आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये गुरु मंत्र आज तक इंडस्ट्रियलिस्ट लोग यूज करते थे और बहुत बड़े बनते थे। आज ये गुरु मंत्र किसी का इजारा नहीं है दोस्तों, आज ये गुरु मंत्र एक छोटा नेटवर्कर, छोटे डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति के पीछे लग जाता है नोइंगली अनोइंगली, जाने अनजाने। तो मैं आपको बता रहा हूं, टाइप ऑफ वर्क्स दो तरह के काम रहते हैं, एक है लीनियर जिनको एक्टिव, जब तक हम काम करते हैं तब तक हमको इनकम होता है, या जब तक काम करते हैं हमको मतलब वो काम होता रहता है उसको लीनियर बोलते हैं। और दूसरा है लिवरेज पैसिव, एक बार आप सिस्टम खड़ा कर दिया बाद में पैसा आता रहता है, बाद में काम होता रहता है, उसको बोलते हैं पैसिव। तो हम पहले देखेंगे दोस्तों काम के जो प्रकार है, एक पत्थर एक आदमी को हटाना है तो एक लिमिटेशन रहता है, वो ज्यादा हटा नहीं पाता, ज्यादा बड़ा पत्थर उसको ज्यादा आदमी लगते हैं, या कोई अन्य टूल्स चाहिए वो करने के लिए, जैसे यहां वही पत्थर वही आदमी। तो ये एक लकड़ी का डंडा लिया और दोस्तों एक छोटा पत्थर लिया, लीवर बनाया और नीचे प्रेस करेगा तो पत्थर हट जाए,
तो बड़ा काम करने के लिए ज्यादा आदमी लगेंगे, ज्यादा लोग लगेंगे या कुछ साधन चाहिए। तो अकेले आदमी जो काम करता है और रिटर्न मिलता है उसको लीनियर बोलते हैं, और लिवरेज जो अन्य साधन या तो अन्य लोगों की मदद से किया जा सकता है। और हम पूरी जिंदगी ये करते आए, थोड़ा आगे समझिए, टाइप ऑफ इनकम भी यही है। लीनियर मतलब जब तक हम काम करते हैं हमको पैसा मिलता है, काम बंद हमका इनकम होना बंद हो जाता है, एक्टिव इनकम बोलते हैं। और दूसरा लिवरेज जिनको पैसिव बोलते हैं, कि हम दो चार पांच साल एक सिस्टम डेवलप करते हैं और उसके बाद वो सिस्टम हमारे लिए काम करता है, इसको पैसिव इनकम बोलते हैं। काम न करने के बाद भी हमको इनकम आता रहता है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा लीनियर इनकम जैसे कि जॉब और दुकान, ये दोनों लीनियर का एग्जाम्पल है और हम 95% लोग तो यही करते। तो ये क्यों लाइफ ज्यादा नहीं बन पाता, अभी हम देखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन स्टेटिस्टिक देखेंगे कि लीनियर इनकम क्या होता है। एक आदमी दुकान या जॉब में काम करता है तो 30 दिन काम करता है, 8 घंटा काम करता है, तो एक महीने में उनका काम हो गया 240 घंटा। 240 घंटा काम करने के बाद उसको 8-10-15-20 हजार मिलता है, या दुकान है तो महीने का 40-50 हजार मिलता है। और ये 240 घंटा एक महीने का, तो 12 महीने अगर वो काम करता है तो 12 महीने में कितना घंटा काम हो गया, तो 2880 घंटा हो गया, तो उसके हिसाब से दुकानदार को प्रॉफिट होता है। और एक साल में अगर 2880 घंटा काम किया तो एक आखिरी लाइफ में वो कितना काम कर सकता है, कितना घंटा काम कर सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक एवरेज काम करता है। तो 40 साल, एक साल का 2880, तो एक लाइफ में एक आदमी 1,15,000 से ज्यादा घंटा काम नहीं कर सकता, या ज्यादा से ज्यादा अगर ओवर टाइम भी करता है 1,20,000 से ज्यादा घंटा वो काम नहीं कर पाता पूरी लाइफ, और उसका ही रिटर्न उसको मिलता है। अब देखेंगे दोस्तों आगे कि अगर हमने काम बंद कर दिया हमारा इनकम जीरो हो जाता है, अगर हम हट गए इनकम बंद। अभी हम देखेंगे लिवरेजिंग इनकम जो टीम वर्क से होता है, जो नेटवर्क से होता है। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू यहां देखेंगे कि यहां पर ओपीएम ओपी, जैसे एक आदमी ने पत्थर हटाने के लिए एक डंडा लकड़ा का डंडा यूज किया और पत्थर यूज किया, ऐसे ही बड़े लोग रिचेस्ट लोग ये गुरु मंत्र का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट्स। आप देखेंगे ये गुरु मंत्र क्या कमाल कर सकता है। ये रतन टाटा है, जो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिनका एक साणंद के अंदर नैनो प्रोजेक्ट डाला हुआ है, वहां पर अगर समझो 100 करोड़ का है, मुझे पता नहीं एग्जाम्पल है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसमें खुद का पैसा कितना रहेगा। उन्होंने क्या किया, अगर लोन लिया बैंक से तो पैसा बैंक में किसका है, लोन पब्लिक का। अगर शेयर डाला तो शेयर खरीदा किसने, पब्लिक, पैसा पब्लिक का उठाया। और फैक्ट्री में काम कौन कर रहे, खुद कर रहे क्या, नहीं, पब्लिक। 1,000 लोगों को अगर काम पे रखा तो पब्लिक काम कर। गाड़ी तैयार हो गई, नैनो कार खरीदी किसने, पब्लिक। पैसा पब्लिक का उठाया, पब्लिक को काम पे लगाया और पब्लिक को माल बेचा, तो प्रॉफिट भी पब्लिक को वो बेचने बांट देगा, नहीं, वो रतन टाटा के लिए रिजर्व है। तो ये गुरु मंत्र जो एक आम इंसान नहीं कर पाता, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग मशीन ऑफिस रीइन्वेस्टमेंट रिकवरी बहुत सारा किया, मैंने कुछ तो आपको आइडिया दिया, मैनेजमेंट रिस्क उठाया, बाद में उसको प्रॉफिट मिला। और क्यों मिला इतना प्रॉफिट, क्योंकि 1,000 लोग उसके फैक्ट्री में काम करते, उसमें से 1,000 लोग दिन में 8 घंटा काम करते हैं, तो रतन टाटा के लिए एक प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट में 8,000 घंटा एक दिन में काम हो रहा है रतन टाटा के लिए, तो 15 दिन में हो गया 1,020 घंटा। एक आम इंसान पूरी लाइफ खपा देता है, पूरी लाइफ लड़ता रहता है, तभी 1,20,000 घंटा वो काम कर पाता है। और रतन टाटा जैसे आदमी, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग 15-20 दिन में या एक दिन में उतना उठा लेते जितना पूरी लाइफ में। अब यहां दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा, रतन टाटा क्या वो प्रोजेक्ट पर सुबह 8 से या सुबह 10 बजे से 6 बजे तक बैठते होंगे, कभी नहीं, शायद देखने कभी आते होंगे या नहीं जाते होंगे, उसकी एब्सेंस में भी काम चलता रहता है, इसको बोलते पैसिव इनकम, लिवरेजिंग बोलते हैं। दोस्तों नोइंग एंड नोइंगली डायरेक्ट सेलिंग में भी यही गुरु मंत्र काम करने लग जाता है, और सबसे बड़ा फायदा ये, मुझे सबसे बड़ा इफेक्ट दोस्तों यहां हुआ, अदर पीपल मनी अदर पीपल एफर्ट्स। समझ लो कि आप ये इंडस्ट्रीज में आए और आपने 1,000 लोगों की, एक्टिव लोगों की टीम बनाई, अगर 1,000 लोग आपकी टीम में एक्टिव है
तो आप 100% एनटीसी हो गए, एनटीसी, और महीने का आपका 2.5 लाख के आसपास इनकम रहेगा, 2 से 2.5 लाख का। और अगर 1000 लोग आपके टीम में है, एक्टिव है और 1 घंटा काम कर रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा नौकरी धंधा बिजनेस संभाल के 1000 लोग 1 घंटा दे रहे हैं, तो एक दिन में कितना हो गया? 1000 हो गया। तो महीने में कितना हो गया? 30,000 घंटा काम हो गया एक महीने में, एक लीडर के लिए 30,000 घंटा एक महीने में। तो 1,20,000 करने में कितना महीना जाएगा? 4 महीना जाएगा। 4,000 में एक महीने में 30,000, 4 महीने में 1,20,000। अब आई बात समझ में? मैं समझाता हूं, एक जोत करने वाला इंसान पूरी लाइफ खपा देने के बाद, 40 साल मेहनत मजदूरी करने के बाद 1,20,000 घंटा का वो रिटर्न मिलता है। और 1 घंटे की सबकी कीमत थोड़ी अलग रहती है, एक प्योर की कीमत अलग है 1 घंटे की, एक वर्कर की अलग है, और एक प्रिंसिपल की अलग है, और एक बिजनेसमैन की 1 घंटे की कीमत अलग है। लेकिन उनको रिटर्न तो घंटे के हिसाब से ही मिलेगी, चाहे कीमत कितनी भी रहने दो। 40 साल में जो नहीं कर पाता, रतन टाटा जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग 10 दिन 15 दिन या 1 दिन में कर लेते। और यही चांस रतन टाटा के जैसा चांस डायरेक्ट सेलिंग में एक लीडर को मिलता है। अगर उनकी टीम 1000 एक्टिव लोगों की है, तो यहां 1,20,000 घंटा वो 4 महीने में, मतलब यहां जो एक आदमी 40 साल में टोटल कुल मिला के उसके हाथ में आता है, उतना यहां हर 4 महीने में एक लीडर कमाता है। मैं फिर से थोड़ा एग्जांपल से बताऊं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर जब रिटायर होता है 60 साल के बाद, उसके हाथ में 10-12-15 लाख गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, फलाना फंड, सब फंड इकट्ठा करके उनको 12 लाख, 10 लाख या 15 लाख हाथ में देते। पहली बार एक जॉब करने वाला इंसान, पहली बार उन्होंने एक साथ 10-12 लाख देखे। पहली बार नहीं दोस्तों, आखिरी बार भी, पहली बार और आखिरी बार उन्होंने एक बार ही 10-12 लाख देखे। उतना इनकम एक लीडर हर 4 महीने में करता रहता है, हर 4 महीने में जितना एक इंसान पूरी जिंदगी में करता है। और वो मैं एनटीसी का बात किया, अगर आप आईटीसी बनते हो तो हर एक महीने में, जैसे आज मेरा इनकम महीने का 7-8 लाख, और एक डायमंड का इनकम महीने का 25-30 लाख, मतलब एक इंसान जिंदगी में जितना करता है उतना अभी डायमंड के लिए 15 दिन में हो रहा है, 15 दिन में। अब मैं आपको एक सवाल करना चाहूंगा कि 40 साल मेहनत करना चाहिए, मजदूरी करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, कि यहां 4 साल, क्योंकि आप 4 साल में एक्टिव 1000 एक्टिव लोगों की टीम बना सकते हो, खड़ी कर सकते हो, और एनटीसी बनने के लिए 4 साल काफी है। अगर 5 साल भी हुए तो गया क्या, बुरा क्या है, आया ही ना। तो 40 साल मजदूरी के 4 साल ये आपको करना है। और ये सब बातें समझ जा मैं 2 दिन 5 महीने के अंदर, तभी जाके मैंने मेरे खुद को 10 साल के लिए यहां लगाया, और आज इसका रिजल्ट, इसका फ्रूट मैं ले रहा हूं। दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डिफरेंस क्या है? तो रतन टाटा को तो ये सब करना पड़ता है, बिल्डिंग, मशीनरी, सैलरी, डिविडेंड, ये सब उनको एडवर्टाइजमेंट, ये सब रिस्क उठाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग में वो नहीं करना पड़ता, न तो हमें मशीनरी पर बैठना है, न तो सैलरी पे करना है, न तो कोई रिस्क है। तो हम रतन टाटा से एक स्टेप सेफ हो गए। उनको तो ये करने के, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये सब करने के बाद मिलेगा रिस्क उठाने के, हमको क्या उठाना है? तो आज इंडस्ट्रियलिस्ट से भी सेफ गेम है नेटवर्क इंडस्ट्रीज, लेकिन यहां होती है जीरो से शुरू और 4-5 साल टिकना पड़ता है। जोश, जुनून और टीम से बनता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जहां पर कैपिटल या हमारी वर्किंग कैपिटल और उसके साथ में मैन पावर लगाना पड़ता है बिजनेस में, उसकी बजाय यहां पर जोश, जुनून और टीम से बनता है नेटवर्क मार्केटिंग। आधुनिक युग का सबसे स्मार्ट और सबसे सफल व्यवसाय, कम से कम लागत, अधिक से अधिक मुनाफा, व्यक्तित्व का विकास, असीमित जनसंपर्क का दायरा, जब चाहो काम करो, जब चाहो छुट्टियां मनाओ, न उम्र की सीमा न जाति सीमाओं का बंधन, जिसमें जादू भरा बिजनेस, जिसमें खोने को कुछ भी नहीं। तो ये ही डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों यहां मैं डायरेक्ट सेलिंग के पर बात जो मैं करने वाला था यहां खत्म करता हूं। अभी आप डायरेक्ट सेलिंग के बाद इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अभी क्या करना चाहिए वो आपको सोचना है। इसलिए मैंने बोला था कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रूफ देखने के बाद।
अभी हम दोस्तों लास्ट में समझने वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग को समझा, अभी हम कंपनी, कंपनी का प्लान और कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, मतलब कंपनी के बारे में थोड़ा हम समझेंगे, प्लान के बारे में समझेंगे और प्रोडक्ट के बारे में हम पार्ट टू में बात करने वाले हैं। तो अभी हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे हाउ टू सिलेक्ट एमएलएम कंपनी, हमको कोई एमएलएम कंपनी कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे हाउ टू सिलेक्ट एमएलएम कंपनी। तो दोस्तों सबसे बड़ा आसान तरीका है, 21वीं सदी का व्यवसाय जो बुक है उसके 18वें अध्याय के अंदर बहुत एक अच्छी तरीके से चैप्टर में समझाया हुआ है कि समझदारी से चुने, क्योंकि हम गलतियां हम अक्सर करते हैं, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमारे सामने आ जाती है हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से यहां पर उन्होंने बताया हुआ है कि क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनने के टाइम। खाली प्रोडक्ट भी नहीं देखनी चाहिए, खाली प्लान भी नहीं, लेकिन यहां पर बार दिया है कि एजुकेशन सिस्टम अगर जो भी कोई कंपनी के पास है तो ये कंपनी में आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस स्कूल है। क्योंकि बाहर हम पढ़ने के बाद हम बिजनेस काम धंधा या नौकरी करते हैं, यहां आपको काम धंधे के साथ इनकम के साथ आपको एजुकेट होना है, आपको नॉलेज मिलना चाहिए। और आप अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर शिक्षित करती है आपको, आपको आगे बढ़ाने में, आपकी लीडरशिप निखारने में अगर काम करती है, वही कंपनी आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और उसके साथ में कुछ बातें लिखी हुई है आप देख सकते हैं, तो ये आप अवश्य पढ़िएगा। और दोस्तों हमारी कंपनी वैसी ही कंपनी हमारी है। हमारी कंपनी में कितने टाइप की इनकम है, तो टोटल 9 टाइप की इनकम है, उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल प्रॉफिट, सेल्स टर्नओवर बोनस जो कि वीकली है, और तीसरा परफॉर्मेंस बोनस। ये 3 इनकम तुरंत शुरू कर सकता है डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद। 2 प्रकार की इनकम है हमारी, एक वीकली और बाकी मंथली। सब अलग अलग कंपनी रहती है जो मंथली रहती है या तो वीकली रहती है, लेकिन हमारी वीकली और मंथली 2 टाइप की इनकम है। और दोस्तों सबसे पहले बात करना चाहूंगा रिटेल इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हमको डीपी प्राइस पर हमको प्रोडक्ट मिलती है और उस पर जो एमआरपी लिखी रहती है, अगर हम लोगों को देते हैं एमआरपी कीमत पर, तो जो बीच का जो फासला है, अगर समझो कि यहां आपको 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट मिल रही है, उसका प्रिंट 140 का है, तो आपको 40 रुपया बीच में जो मिलेगा वो रिटेल प्रॉफिट माना जाएगा और आप कभी भी वो ले सकते हो, पहले दिन से आप ले सकते हो। दूसरा इनकम है जो सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत इनकम है, जिसको बोलते हैं सेल्स टर्नओवर बोनस, वो वीकली मिलता है। हर फ्राइडे क्लोजिंग होता है रात के 12 बजे, जितना भी काम हुआ है कंपनी 3 वीक के बाद, अगर आपका आपका एनईएफटी हुआ है, अगर आपका पैन कार्ड अपडेट हुआ है और आपका केवाईसी अपडेट हुआ है, तो आप 3 जिस वीक में, जिस फ्राइडे क्लोजिंग के बाद आपका अगर सब कुछ कंप्लीट है, अपडेट हो गया है, 3 वीक के बाद का बुधवार को आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। तो फ्राइडे टू फ्राइडे क्लोजिंग होता है, हर शुक्रवार शुक्रवार आपको पैसा आपका कट ऑफ होता है और 900 से 2,10,000 तक आपको इनकम करने का मौका मिलता है। और दोस्तों यहां पर मैचिंग का 12% आपको मिलता है, ये एक प्रकार की इनकम है। और यहां दोस्तों जैसे कि मैं आपको बात करूं वैसे आप जानते हो, लेकिन हमारा मैचिंग होता है दोनों साइड, उसी के हिसाब से आपको इनकम मिलता जाता है। जैसे 10,000 मैचिंग हुआ, पहले वीक में आपको 12% मिलेगा और यहां आपको कैरी फॉरवर्ड, हर कोई कंपनी नहीं देती है कैरी फॉरवर्ड सिस्टम, हर कंपनी में दर हर महीना 0-0 हो जाते हैं और आपको नए तरीके से काम करना पड़ता है। ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है और बहुत ही दोस्तों इंपोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में ये प्लान बनाया गया है। दोस्तों अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड डेप्थ तक वो हमको मिलेगा दोस्तों। और बात करूंगे अगर दूसरे वीक में आपका टर्नओवर एक साइड में हुआ 10, 30 और 20 हजार, और दूसरे साइड में अगर आपका टर्नओवर हुआ है 30 और 15 हजार ब्रांच वन और टू में, तो दोनों का टोटल देखा जाता है और कंप्यूटर मैच कर लेता है, यहां साइड यहां 45,000 और आगे का जो 5,000 साथ में क्रेडिट था, टोटल 50,000 मैचिंग हुआ, 50,000 के सामने आपको 12% मिल जाता है और यहां 10,000 फिर क्रेडिट मिला आपको नेक्स्ट वीक के लिए। तो ऐसे अनलिमिटेड टाइम आपको मिलता है और जैसे जैसे आपका मैचिंग होता जाता है आपका इनकम मिलता जाता है। और आज तक गलती नहीं हुई कंपनी से और न तो कभी होने वाली है, ये सॉफ्टवेयर काम करता है। और ज्यादा से ज्यादा आपको एक वीक में एक आईडी पर 2,10,000 मिलेगा एक आईडी पर, और वीक का
क्योंकि यहां सीलिंग होता है, कैलकुलेशन होता है। हर कोई जो अप्लाई है आपके, सबको भागना होता है कंपनी को, तो एक कैलकुलेशन होता है और हर घर का एक सीलिंग होता है। वैसे ही हमारा वीकली इनकम में सीलिंग होता है और हमारा सीलिंग है 2,10,000 एक वीक में, तो 4 वीक में आपको महीने का इनकम हो गया 8,40,000। अगर अभी भी कम पड़ता है तो आपको 3 करोड़ पर काम करना चाहिए। एक दिन आएगा आपका 3 करोड़ पर 2,10,000, मतलब कि महीने का 25,20,000 एक प्रकार की आवक में। रिटेलिंग अलग और महीने मंथली आवक अलग है, परफॉर्मेंस बोनस अलग है, लॉयल्टी अलग है, तो आपकी रॉयल्टी हर कोई रॉयल्टी सब इनकम अलग, एक ही इनकम में से आपको 2,00,000। और ये इनकम मैं कई बार ले चुका हूं दोस्तों, ये आपके टाइम धीरे धीरे करते करते यहां तक आप पहुंच सकते हो। तीसरी जो इनकम है आप ले सकते हो, दोनों साइड 1,00,000 बीवी मैच करते हो, एक महीने में कंपनी के हिसाब का महीना 4 वीक का महीना रहता है, तो कंपनी जो टर्नओवर होता है कंपनी का ग्लोबली, उसमें से 1.5% अलग निकालती है और डिस्ट्रीब्यूटर को उसका 35% बांट देती है, जितने भी परफॉर्मेंस बोनस अचीवर है। और ये 4,000 से लेके हमने 28,000-29,000 तक भी देखी है लोगों को लेते हुए, तो ये परफॉर्मेंस बोनस है जो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद तुरंत ले सकते हैं। और टीसी से ऊपर वाले लोग 15%, 1.5% के 35, 1.5% के 15 और 1.5% के 15 और 35% ऐसे कंपनी बांटती है दोस्तों। तो ये बात हो गई प्लान। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी क्यों बेस्ट है, व्हाई माय लाइफस्टाइल बेस्ट। तो दोस्तों उसके प्रमुख तीन कारण है। सबसे पहले देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल और मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए, दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट और तीसरा कंपनी का प्लान। अगर ये तीन चीज सही है, उसके साथ में अगर कंपनी प्रोफाइल मैनेजमेंट अगर सही है तो एजुकेशन सिस्टम भी सही रहना चाहिए, तो ये मैनेजमेंट के कारण होता है। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, डिटेल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तीन चीज अगर सही है कंपनी में, और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है, प्राउड फील कर रहा हूं कि तीनों चीज हमारी कंपनी में सही है, और इसीलिए ही तो मैं 10.5 साल से ये कंपनी के साथ जुड़ा हूं, काम कर रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के मैनेजमेंट, तो कंपनी का पूरा नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और दोस्तों www.mailifestylemarketing.com ये कंपनी की वेबसाइट है, आप देख सकते हो जाके, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है। पंजीकरण ऑलरेडी कंपनी का हो चुका है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फिक्की का भी हम रजिस्ट्रेशन करवाया हमने, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का भी हमारा सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन है, और ISO 9000:2015 हमारी कंपनी सर्टिफाइड है। और दोस्तों कंपनी ने, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसी के हिसाब से हमारी कंपनी काम कर रही है, और वो भी हमने आगे आपको दिखाया। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी कंपनी की प्रोफाइल में अगर एक सितारा बोले, अगर एक कुछ एट्रैक्शन बोले, तो ये है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, एक एजुकेशन कंपनी अलग से हमने तैयार की है हमारी कंपनी ने, और उसका भी पंजीकरण है और वो भी रजिस्टर्ड है। और ये कंपनी आज माई लाइफ की टीम को लीडर को नॉलेज देती है, एजुकेट करती है और आगे बढ़ाने में बहुत सारा सिस्टम डेवलप करती है, तो ये हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, इसका बहुत बड़ा रोल आज हमारी कंपनी में, और ये किसी भी कंपनी के पास शायद नहीं होगा, ये हमारे पास है जो इंडियन कंपनी है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, हर कोई कंपनी के पीछे, मैं मानता हूं कि कंपनी चलती है कंपनी के मालिक, कंपनी के एमडी या सीईओ या उसके मालिक के सोच पे, और एक नेटवर्क चलता है लीडर की सोच। यहां दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत गर्व फील हो रहा है, महसूस कर रहा हूं मैं कि हमारे गॉडफादर मिस्टर प्रवीण जयचंदन सर, दोस्तों जहां बोला जाता है नेटवर्क की दुनिया में, जहां एमडी या सीईओ की सोच खत्म होती है, वहां से हमारे गॉडफादर की सोच शुरू होती है, जो नेटवर्क उद्योग सम्राट बोले जाते हैं। दोस्तों क्यों बोले जाते हैं, तो कोई भी कंपनी के पीछे उसका एमडी, उसका सीईओ या कंपनी चालू करने वाले का सोच पर कंपनी का फ्यूचर, उसका विजन मिशन और उस पर उसका फ्यूचर डिपेंड होता है, उनके साथ जुड़े हुए लोगों का फ्यूचर डिपेंड होता है। तो मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज मार्केट में कंपनियां क्यों बंद हो जाती है, क्यों भाग जाती है, तो वो कंपनियां जो एक नेटवर्कर से शुरू हुई होती है, चालू हुई होती है, जो कि जिनको कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे मैं आज नेटवर्कर हूं, तो मैं कंपनी
आज चालू कर सकता हूं, लेकिन मुझे नेटवर्क चलाने का अनुभव है। मैं 2000 रुपया की किराए की दुकान लेके नेटवर्क कंपनी चालू कर सकता हूं, लेकिन मैं कहां तक बढ़ पाऊंगा? तो वैसे आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे मेहनत लोग आए थे जो नेटवर्क में मेहनत करूं, मेरी खुद की कंपनी चालू कर दूं। और लोग नेटवर्क में आते हैं और 2-3 साल के अंदर वो खत्म हो जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग का नाम खराब हो जाता है। हमारे पीछे दोस्तों एक ऐसा ग्रुप है जो मारवाड़ी जैन राजस्थानी बनिए लोग हैं, तो उसको बिजनेस सिखाना पड़ता है क्या? दूसरा, ये कोई दोस्तों कोई बिजनेस छोटे बिजनेसमैन या कोई मार्केट में बिना अनुभव वाले लोग नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। उसके खून में, उसके डीएनए में इंडस्ट्री चलाने का एक्सपीरियंस है और उन्होंने, उनके दादा ने चेन्नई के अंदर स्टील उद्योग में आज से कई साल पहले एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था, मतलब इंडस्ट्री चलाने का एक्सपीरियंस उसके ब्लड में है। और दूसरा दोस्तों, वो खुद एक नेटवर्क करने के बाद, नेटवर्क का एक्सपीरियंस लेने के बाद, मतलब उनको इंडस्ट्री चलाने का और नेटवर्क दोनों का एक्सपीरियंस है, और इसीलिए यह मैनेजमेंट आज पिछले 19-20 सालों से मार्केट में इंडिया के राज कर रहा है। और आज 2013 में फिर से एक बार जब भारत के अंदर रिनोवेशन हुआ डायरेक्ट सेलिंग के टाइम पर, तभी फिर से एक बार जरूरत पड़ी जीरो से शुरू करने में, फिर से करने के बाद भी 3-4 साल के अंदर फिर से हमारी कंपनी टॉप डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, अगर आप गूगल सर्च करोगे उसमें टॉप सबसे ऊपर कंपनी का नाम अगर दिखेगा तो एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इसके पीछे इस सर का हाथ है। और दोस्तों जितनी भी बात करूं कम, विजन और मिशन क्या है, तो ऑलरेडी पहले से वो करोड़पति अब्जोपति, पैसे की भूख नहीं थी, लेकिन ये बिजनेस चालू करने का, ये कंपनी चालू करने के पीछे उसका सबसे बड़ा सोच ये है कि जब कंपनी डेवलप, गवर्नमेंट हमारी डेवलप कंट्री बनेगी हमारा इंडिया, तभी उसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। और दोस्तों आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 2018 में अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ है, उन्होंने बोला कि भारत अगर डेवलप कंट्री बनेगा तो उसमें सबसे बड़ा योग डायरेक्ट सेलिंग का होगा, और डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम टॉपर है तो दोस्तों नोइंगली अनोइंगली ऑटोमेटिकली हमारा सबसे ज्यादा योगदान रहने वाला है। तो जो सोच 2001 में जिसने सोची थी और विचार किया था, आज अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ है, जो 2018 में बोलते हैं, मतलब कि कितनी बड़ी सोच, मतलब कितनी बड़ी दीर्घदृष्टि है। और इसलिए तो बोला जाता है कि जहां दुनिया के अमरीकी लोग खत्म, सोच खत्म होती है वहां से शुरू होती है। उनका विजन और मिशन क्या है? तो दोस्तों इंडिया में कंपनी को नंबर वन बनाना और दुनिया में नंबर वन बनाना। और दूसरा दोस्तों, इंडिया में कोई भी गांव में जाओ और बोलो कि गांव में सबसे ज्यादा पैसा, मतलब सबसे ज्यादा सबसे बड़ी गाड़ी या सबसे बड़ा मकान किसका है, तो लोग बोलना चाहिए कि एक एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका लीडर है उसका है। और आज मेरे गांव में आओगे दोस्तों तो यही दो बात सच हो चुकी है मेरे गांव के अंदर। आज मेरे गांव के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा मकान, सबसे अच्छा बढ़िया और सबसे बड़ी गाड़ी आज हमारे पास है। तो दोस्तों ये उनकी सोच है, इसका सर का विजन है। तो हम लोग लकी है दोस्तों, इसलिए लकी है कि इसने महान हस्ती की कंपनी जो चलाते हैं उसके अंदर आज हम उनके साथ काम करते हैं। और दूसरा दोस्तों इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता है कि ये सर है कल नहीं रहेंगे, तो उन्होंने पूरा प्लानिंग करके रखा है। जैसे दोस्तों हमारे रिलायंस के ओनर धीरू भाई अंबानी चले गए, लेकिन आज रिलायंस चल रही है। रिलायंस में जो शेयर होल्डर थे या रिलायंस में जो काम करते हैं उनको कोई आंच नहीं है, वैसे ही उनके उन्होंने प्लानिंग करके रखा है। नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रहा है दोस्तों, अगले 50 साल का प्लानिंग, अगले 100 साल का प्लानिंग सबने करके रखा है, कोई टेंशन नहीं, कंपनी सालों साल चलने वाली है। और मैं खुद गवाह हूं, 10.5 साल से सर के मैनेजमेंट के अंदर एक लीडर के रूप में काम कर रहा हूं और मुझे 10.5 साल का एक्सपीरियंस है। और दोस्तों मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि 3.5 साल से मैं कंपनी के टॉप लीडर जो है उनके बीच में, कंपनी हर 3-4 महीने में एक टॉप लीडर की मीटिंग करती है, मुझे 3.5 साल से जाने को मौका मिल रहा है और मैं सर को सुनता आया हूं। अभी 8-10 दिन रोज भी नहीं हुए, कंपनी की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी जिसमें
सर ने बताया कि अभी कंपनी का प्लानिंग क्या है। तो 10.5 साल से दोस्तों मैं खुद गवाह हूं, ये कंपनी की सोच बड़ी है, आगे का प्लानिंग बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन की बात नहीं। और अगर है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल गारंटी कंपनी के बारे में दे सकता हूं। दोस्तों क्यों मैं दे सकता हूं, ये कंपनी में हूं इसलिए नहीं, ये कंपनी ऐसी है इसका प्लानिंग बहुत बढ़िया है, कंपनी ऐसी है, मैनेजमेंट ऐसा है, इसलिए मैं कंपनी और मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूं और जुड़ा आगे भी रहना चाहता हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई। तो बहुत दोस्तों अच्छी बात मुझे लगी है मैनेजमेंट के बारे में कंपनी के साथ। हमारे सीईओ है जो एकदम जमीन से जुड़े हुए, हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ दोस्तों ऐसी बात करते हैं कि जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सीईओ है। तो मिस्टर कैलाश भट्टर सर जो हमारे आज कंपनी के सीईओ है, और हमारे सीओओ मिस्टर सलील मैथ्यूज, जो भी दोस्तों एक सीईओ मैनेजमेंट के अंदर उसका बहुत बड़ा योगदान है, और उसके साथ वे खुद नेटवर्कर रह चुके हैं, तो इसीलिए उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम और तकलीफ, लीडर के प्रॉब्लम तकलीफ समझ में आते हैं, और मैनेजमेंट में वही सिस्टम वो कंपनी को चलाने के लिए वो लोग विचार आदान प्रदान करके देखते हैं। और दूसरा मिस्टर आलोक पांडे सर, कि जो भी दोस्तों हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे वीपी एडमिन है, वीपी है दोस्तों कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में सॉरी मार्केटिंग में वीपी है, जो मुंबई बैठते हुए है, और उनको भी 8 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, और दोस्तों जिनको बोला जाता है सर्विस के बारे में 24/7, मतलब कि एक जैसे कि रोबोट थकता नहीं है काम करने से, वैसे सर को आप देखो रात को भी या दिन को भी ऑनलाइन रहते हैं, और हर एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दोस्तों उनको वो सपोर्ट करते हैं और उनको वो अटेंड करते हैं। तो इतने बड़े आज व्यक्तित्व, इतना बड़ा व्यक्तित्व दोस्तों हमारा एक वीपी जो आपको सामने मिल जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि माइलैब के वीपी हो सकते हैं। तो इतना बहुत बढ़िया अच्छा मैनेजमेंट हमारे पास है दोस्तों। कंपनी क्यों आज सुपर डुपर है, और 3 साल के अंदर 3.5-4 साल के अंदर वो फिर से एक लेवल पर पहुंच गई, एक नंबर पर पहुंच गई। तो सक्सेसफुल मैनेजमेंट 19 साल से चल रहा है, जो हमने जो प्रूव करके दिया है। अगर नेटवर्क इंडस्ट्रीज में भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है, तो एक ही कंपनी के नाम, वो आज एक ही मैनेजमेंट के नाम है, वो है हमारा मैनेजमेंट, हमारी कंपनी। दोस्तों क्रिएटेड सक्सेसफुल एक्सपीरियंस लीडरों की फौज, दूसरी कंपनी में जाओ दोस्तों, जनरेशन बेस्ड कंपनी है, लीडर की फौज बहुत कम रहती है, लीडर्स कम रहते हैं, आप देखो, क्योंकि इसका प्लान ही ऐसा है, जो हमारा प्लान बाइनरी जनरेशन का मिक्सिंग की वजह से बहुत बड़े बड़े दिग्गज सक्सेसफुल एक्सपीरियंस लीडरों की फौज है। नेटवर्क क्रिएटेड ऑल ओवर इंडिया में किया हुआ है, प्लान गवर्नमेंट की गाइडलाइन से है, और विजन और मिशन जो मैंने आपको आगे बताया बहुत बढ़िया और अलग मिशन विजन है, और एजुकेशन सिस्टम हमारी कंपनी की पावरफुल है, और वो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, और इसके साथ हमारी ग्रुप की एक अलग सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, जो एक नेटवर्क और एक लीडर और एक डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट किया जाता है। तो ये थे दोस्तों मैंने जो आपको बताया कि जो हमारे कुछ पहलू जो मजबूत है, जिसके कारण हमारी कंपनी स्ट्रांग है, एक मैनेजमेंट और कंपनी प्रोफाइल। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों कंपेरिजन, हमारे दूसरी कंपनी के साथ, दूसरी कंपनी के प्लान और हमारे। वैसे तो ये पूरे 4-5 घंटे का सेशन रहता है मिनिमम, लेकिन मैं आपको कुछ चंद बातें अगर आपको मैं बताना चाहूं कि थोड़ा आपको ऊपर से बताना चाहूं, तो मैं आपको शॉर्ट में दिखाना पसंद करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्रोडक्ट और उसके बारे में प्लान। तो पहली कंपेरिजन में बात करूंगा दोस्तों प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हम मैनेजमेंट के साथ हमारा प्रोडक्ट का रेंज सबसे डिफरेंट है। जैसे मैं आपको बोलूं शैम्पू, साबुन या ऑयल या क्रीम, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, ये तो सबके पास है, लेकिन एक अनोखा खूबियों से भरा अगर प्रोडक्ट की रेंज और ब्रांड हमारे पास है, वो शायद किसी के पास भी नहीं है, शायद नहीं किसी के पास नहीं है, और वही कारण है कि हम 3-4 साल के अंदर टॉप पर पहुंचे। और मैं आगे बताना चाहूंगा पार्ट 2 में प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में। तो हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है और डिफरेंट है और बहुत बड़ा है। सर्टिफाइड प्रोडक्ट है हमारे पास, जो हाईएस्ट प्रीमियम और बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड अवार्ड ले चुकी ब्रांड है हमारे पास। और दोस्तों प्रोडक्ट क्रिएटर कौन है, तो पूरे इंडिया और वर्ल्ड में नंबर 1 साइंटिस्टों की टीम आज हमारे साथ काम कर रही है, कार्य कर रही है, वो भी हमारे गॉडफादर के कारण। तो ये हमारे प्रोडक्ट के पीछे कुछ
बेस्ट दोस्तों हस्तियां हैं जो काम कर रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो मास से क्लास तक एफोर्ड कर सके वो वैसी प्राइस में आपको मिलेंगे। मतलब कि एक लोअर मिडिल क्लास भी यूज कर सकता है हमारे प्रोडक्ट और क्लास पीपल भी कर सकता है। मार्केट के अंदर जो भी लोग हैं शायद जनरेशन कंपनियां जो बाहर से भी हो या हमारे इंडिया की है वो एक क्लास पीपल ही अफोर्ड कर सके ऐसी प्रोडक्ट की रेंज होती है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई, अभी प्लान के बारे में बताना चाहूंगा। तो दोस्तों हमारा प्लान खूबियों से भरा है और सबसे इंपोर्टेंट बाइनरी और जनरेशन इंडिया में एक ही कंपनी है और वर्ल्ड में दूसरी है, वर्ल्ड में दो ही कंपनी है और एक इंडिया में है जो है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, की जो बाइनरी और जनरेशन के माइनस पॉइंट हटा के दोनों की खूबियों को मिला के बहुत ही बड़ा दोस्तों डिजाइन किया हुआ है प्लान। वो वीकली और मंथली इनकम देता है और सेम परसेंटेज न्यू ज्वाइनिंग पर और हमारे खुद को रीपर्चेज जो हम करते हैं उसी के ऊपर भी सेम परसेंटेज। एक भी कंपनी ऐसी नहीं है आज मार्केट में जो नए लोग जो बिजनेस में आते हैं या तो जो रिक्रूटमेंट में जो हमको परसेंटेज दिया जाता है वही परसेंटेज हम खुद के आईडी पर हमारे खुद के घर पे यूज प्रोडक्ट करने के लिए जो खरीदते हैं सेम परसेंटेज कभी नहीं मिलता। पहली कंपनी है इंडिया में जो 12% सभी लोगों को रीपर्चेज में और न्यू बिजनेस में भी मिलता है। कोई टारगेट नहीं है मार्केट में, जो भी कंपनियां रहती है दोस्तों हर महीने 0-0 करती है और टारगेट देती है कि इतना करो तभी जाके आपका लेवल मेंटेन होगा या फिर आपको इनकम एक्स्ट्रा मिलेगा या लेवल चेंज होगा, जबकि हमारा यहाँ कोई टारगेट नहीं है। आपको टीसी बनना है दोनों साइड ज्वाइन करने के बाद, क्यूमुलेटिव प्लान है। जब धीरे धीरे आपका 2.5 लाख कभी भी कंप्लीट होता है आप टीसी बनते हो तो यहाँ कोई टारगेट नहीं है। और नो लैप्सेशन सिस्टम हर जगह पे दोस्तों हर महीने 0-0 हो जाते हैं और 0 से शुरू करना पड़ता है। यहाँ अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड डेप तक हमको ये मिलता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो हमारी माई लाइफ स्टाइल कुछ खूबियों से भरी हुई है, शॉर्ट में मैंने आपको दिखाया क्योंकि ये 2 दिन की ट्रेनिंग रहती है उसमें पूरा डिटेल बताते हैं। अभी मुझे 2 घंटे में बताना था इसके बारे में इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बताया और यही रीजन है यही कारण है जिसके कारण हमारी कंपनी आज नंबर 1 पोजिशन पर है और यही कारण है बाइनरी और जनरेशन का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट और मैनेजमेंट जिनके कारण मैं भी आज 5 साल के अंदर आईटीसी गोल्ड बनके आपके सामने खड़ा हो गया। और दोस्तों आज टोटल 3 करोड़ से ज्यादा मेरी इनकम हो चुकी है, रीजन यही है दोस्तों। और लास्ट में इतना अच्छा मैनेजमेंट और इतना बढ़िया दोस्तों हमारी कंपनी होने के कारण आज आपको विश्वास भरोसा आना चाहिए और इसके साथ लंबी यात्रा की शुरुआत आपको करनी चाहिए। और लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा आज का पार्ट 1 खत्म करने से पहले कि आपको लिस्ट बनाना है और लिस्ट क्यों बनाना है पार्ट 2 में मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आज आपको लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा बिजनेस जितना लिस्ट बढ़ा उतना बिजनेस बढ़ा। लिस्ट दोस्तों हम हमारे नजदीक के लोगों को ऑफर करते हैं, जैसे आपको चीज अच्छी लगती है हमारे नजदीक के हमारे नियर डियर लोगों को ऑफर करते हैं। तो किन को ऑफर किया जाए तो हर किसी को नहीं करना है, एक क्राइटेरिया रहता है तो बाइफरकेट करेंगे, लेकिन पहले आपको आपके नाम से जितने लोग जानते हैं उसका लिस्ट बनाना है और लिस्ट आपको बनाना है जिसमें जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर मुझे याद नहीं है मेरा लिस्ट 25-40 से ज्यादा नहीं बन सकता है 50 से ज्यादा। तो मैंने उनको बोला कि अगर मैं एक नाम लिखने का 50 दूंगा तो बोले कि मैं ऐसे 4-5-10 पेपर दे दो 2000-2500 में लिख के आता तो फिर कहां से लिख के आते। दोस्तों ये सीरियस होना है हमें, ये हमारा नीव है, ये हमारा पोटेंशियल है, ये हमारा मार्केट है, ये हमें करोड़पति बनने का मौका देने वाले है, यही हमको नाम और हमारी सक्सेसफुल का कारण बनने वाले है। तो सीरियसली आपको एक अच्छी तरीके से लिस्ट बनाना है जो आप जिनको आप नाम से जो लोग चाहते हैं नाम लिखना है। आपके मोबाइल डायरेक्टरी के अंदर 200-500 या 800-1000 नाम है देखो, और आपके मैरिज में जो लोग आए थे तो शायद 1000 से ज्यादा लोग, तो मतलब आपको लोग जानते हैं, उसमें से 200-300 लोग का नाम लिस्ट बनाना है, 300-400 ज्यादा ये बनाओ। बाद में आगे क्या करना है पार्ट 2 में मैं बताने वाला हूं, आज का आपका होमवर्क है। तो दोस्तों आप अभी तक मेरे साथ बने रहे, मुझे अभी तक सुनते रहे, इसलिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा और अवश्य आपको पार्ट 2 देखना है। जब तक पार्ट 2 आप नहीं देखते समझते और डायरी पेन लेके बैठना है आपको, जब तक वो नहीं समझते तब तक आपको बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि
बिना समझे अगर आप बिजनेस शुरू करोगे बहुत सारी गलतियां होगी। तो जो 30 मकान मार्केट में घूम रहे हैं कि जो बोलते हैं कि तू नेटवर्क मार्केटिंग आज शुरू किया आया है, आज चालू किया है, मैं तो बहुत सालों से देखा है, मैंने करा भी है, तो ये 30 मकान लोग जो फेलियर है वो क्यों है? क्योंकि सिस्टम से काम नहीं किया, साइंटिफिक सिस्टम या स्टेप नहीं काम नहीं किया, समझने के बाद काम नहीं किया, या उन्होंने सीधा काम यूं ही करना शुरू कर दिया होगा, रिजल्ट नहीं मिला है। तो ये किस्मान खान के लिस्ट में आपका नाम नहीं जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रीज में आप बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हैं, बहुत सारी आशाएं लेके आए, बहुत सारे सपने लेके आए हैं, तो ये पूरे होने चाहिए। और इसीलिए आपको सिस्टमेटिक जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस होने के बाद यह सिस्टम बनाया गया है और प्रूवेबल है, और यही के कारण, इसी के कारण लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो आपको भी लिस्ट बनाना है। लास्ट में फिर से एक बार आपको पूरा 2 घंटा मेरे साथ बात मेरी सुनने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।